नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी बॉन्ड में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश हिंदी TGT PGT नेट JRF का टेस्ट सीरीज। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। आदिकाल की समय अवधि मानी जाती है। पहला ऑप्शन है 7वीं से 14वीं शताब्दी तक, दूसरा ऑप्शन है 7वीं से 13वीं शताब्दी तक, तीसरा ऑप्शन है 7वीं से 16वीं शताब्दी तक और चौथा ऑप्शन है 7वीं से 18वीं शताब्दी तक। तो सही ऑप्शन है 7वीं से 14वीं शताब्दी तक। दूसरा क्वेश्चन है, सिद्धों की संख्या कितनी है। पहला ऑप्शन है 9, दूसरा ऑप्शन है 42, तीसरा ऑप्शन है 12, चौथा ऑप्शन है 84। तो सही आंसर इसका क्या होगा? तो सही ऑप्शन है इसका 84, ऑप्शन 4। तीसरा क्वेश्चन, राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। पहला ऑप्शन है सबरप्पा, दूसरा ऑप्शन है शरहप्पा, तीसरा ऑप्शन है लुइप्पा, चौथा ऑप्शन है देवसेन। तो इसका सही आंसर होगा सरहप्पा, ऑप्शन 2। चौथा क्वेश्चन, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है। पहला ऑप्शन है राजकुमार वर्मा, दूसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, तीसरा ऑप्शन है शिव सिंह सेंगर, चौथा ऑप्शन है गणपति चंद्र गुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजकुमार वर्मा, पहला ऑप्शन। पांचवा क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। तो पहला ऑप्शन है स्वयंभू, दूसरा ऑप्शन है पुष्पदंत, तीसरा ऑप्शन है सरहप्पा, चौथा ऑप्शन है अब्दुल रहमान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अब्दुल रहमान, चौथा ऑप्शन। शुक्ल जी ने अपभ्रंश भाषाओं में कितनी रचनाओं को रखा है। ऑप्शन 1 4, ऑप्शन 2 5, ऑप्शन 3 6, ऑप्शन 4 8। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 1, कितनी रचनाओं को रखा है, 4। सातवां प्रश्न है, संदेश राशक किसने लिखा। पहला ऑप्शन राम सिंह, दूसरा ऑप्शन जोहिंदू, तीसरा ऑप्शन अब्दुल रहमान, चौथा ऑप्शन है धनपाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3, अब्दुल रहमान। आठवां क्वेश्चन है, कीर्तिलता किसकी रचना है। ऑप्शन 1 सरहप्पा, दूसरा ऑप्शन विद्यापति, तीसरा ऑप्शन सबरप्पा, चौथा ऑप्शन स्वयंभू। इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, विद्यापति। नवा क्वेश्चन है, बारहमासा का आरंभ किस महीने से होता है। तो पहला ऑप्शन है चैत्र, दूसरा ऑप्शन है आषाढ़, तीसरा ऑप्शन है फाल्गुन और चौथा ऑप्शन है कार्तिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, आषाढ़। दसवां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, प्रेम सागर किसकी रचना है। पहला ऑप्शन है सदरलाल मिश्र, दूसरा ऑप्शन है लल्लूलाल, तीसरा ऑप्शन है विद्यापति, चौथा ऑप्शन है शरहप्पा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है दूसरा ऑप्शन, लल्लूलाल। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल का नाम किसने दिया। पहला ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, तीसरा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चौथा ऑप्शन है मिश्र बंधु। तो सही आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दूसरा प्रश्न है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। पहला ऑप्शन राहुल सांस्कृत्यायन, दूसरा ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल, तीसरा ऑप्शन है ग्रियर्सन, चौथा ऑप्शन है राम कुमार वर्मा। तो सही आंसर हो जाएगा राहुल सांस्कृत्यायन। तीसरा प्रश्न है, आदिकाल को बीजोपन काल नाम किसने दिया। पहला ऑप्शन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, दूसरा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, चौथा ऑप्शन है राम कुमार वर्मा। तो सही आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। चौथा प्रश्न है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी।
पहला ऑप्शन 1895 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन 1893 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन 1898 ईस्वी, चौथा ऑप्शन 1890 ईस्वी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दो 1893 ईस्वी। पांचवा प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? पहला ऑप्शन 1800 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन 1805 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन 1810 ईस्वी, चौथा ऑप्शन 1900 ईस्वी। तो सही आंसर हो जाएगा 1800 ईस्वी। छठा प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं? पहला ऑप्शन सदल मिश्र, दूसरा ऑप्शन लल्लू लाल, तीसरा ऑप्शन सदा सुखलाल, चौथा ऑप्शन इंसा अल्लाह खां। तो सही आंसर हो जाएगा इंसा अल्लाह खां। सातवां प्रश्न है, नासी केतु उपाख्यान के लेखक हैं? पहला ऑप्शन सदल मिश्र, दूसरा ऑप्शन इंसा अल्लाह खां, तीसरा ऑप्शन लल्लू लाल, चौथा ऑप्शन सदा सुखलाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सदल मिश्र। आठवां प्रश्न है, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं? पहला ऑप्शन रामप्रसाद बिस्मिल, दूसरा ऑप्शन रमाशंकर वाजपेयी, तीसरा ऑप्शन रामप्रसाद निरंजनी, चौथा ऑप्शन है सदल मिश्र। तो सही आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन रामप्रसाद निरंजनी। नवा प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य है? पहला ऑप्शन पृथ्वीराज राशो, दूसरा ऑप्शन बीसलदेव राशो, तीसरा ऑप्शन कुमार राशो, चौथा ऑप्शन परमार राशो। तो सही आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज राशो। दसवां प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, पृथ्वीराज राशो के रचयिता कौन हैं? पहला ऑप्शन बीसलदेव, दूसरा ऑप्शन चंद्रबरदाई, तीसरा ऑप्शन जायसी, चौथा ऑप्शन जगनी। तो सही आंसर हो जाएगा चंद्रबरदाई। आइए अब हम देखते हैं हिंदी साहित्य से संबंधित रोचक तथ्य, जो कि टॉपिक है हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को किस विद्वान ने क्या नाम दिया। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल कहा आदिकाल को, मिश्र बंधु ने आरंभिक काल कहा और गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक काल कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा। राहुल सांस्कृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजोपन काल कहा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने चारण काल या संधिकाल कहा। डॉक्टर मोहन अवस्थी ने आधार काल कहा। भक्ति काल की समय सीमा क्या है? पहला ऑप्शन है संवत 1275 से संवत 1700 तक, दूसरा ऑप्शन है संवत 1375 से संवत 1700 तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, 1375 से संवत 1700 तक। दूसरा प्रश्न है, हरिका भजे सो हरिका हुई कथन किसका है? पहला ऑप्शन है रामानंद, दूसरा ऑप्शन है तुलसीदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामानंद। तीसरा प्रश्न है, कबीर के बीजक का संस्कृत अनुवाद किसने किया था? पहला ऑप्शन है हनुमान दास, दूसरा ऑप्शन है धर्मदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हनुमान दास। चौथा क्वेश्चन है, अलवार वैष्णव की संख्या है? पहला ऑप्शन 9, दूसरा ऑप्शन 12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा 12। पांचवा प्रश्न है, भक्तिकाल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा था? पहला ऑप्शन है ग्रियर्सन, दूसरा ऑप्शन है शुक्ल जी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक ग्रियर्सन। छठा प्रश्न है, अष्टयाम किसकी रचना है? पहला ऑप्शन सूरदास, दूसरा ऑप्शन नाभादास। इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा नाभादास। सातवां प्रश्न है, कबीर के गुरु का नाम क्या है? पहला ऑप्शन रामानंद सागर, दूसरा ऑप्शन रामानंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामानंद। आठवां प्रश्न है, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था? पहला ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। नौवां प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन है तलवंडी,
दूसरा ऑप्शन है अमृतसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तलवंडी पाकिस्तान। दसवां प्रश्न है पद्मावत की विधा क्या है, तो पहला ऑप्शन है प्रबंध काव्य, दूसरा ऑप्शन है मुक्तक काव्य, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रबंध काव्य। पद्मावत रचना किसकी है, मलिक मोहम्मद जायसी जी की। आइए हम देखते हैं रोचक तथ्य। रोचक तथ्य में भक्तिकाल की शाखाओं में कौन से कवि किस शाखा में थे, तो भक्तिकाल इसका संवत 1375 से 1700 माना जाता है। तो भक्तिकाल को दो भागों में बांटा गया है, निर्गुण और सगुण। निर्गुण में ज्ञानाश्रयी संत काव्य, प्रेमाश्रयी सूफी काव्य, सगुण में राम काव्य और कृष्ण काव्य। तो ज्ञानाश्रयी में कौन से कवि आते हैं, कबीरदास, रैदास, मलूकदास, जम्भनाथ, हरिदास, नानक, संत सिंगा, लालदास, दादूदयाल, सुंदरदास, अक्षर अनन्य, बाबा लाल, ये सब संत काव्य में आते हैं। और प्रेमाश्रय में कौन कौन आते हैं, कुदबन, मंझन, जायसी, मुल्ला दाऊद, उस्मान, शेख नबी, नूर मोहम्मद, ये सब प्रेमाश्रय शाखा सूफी काव्य में आते हैं। सगुण शाखा में राम काव्य में कौन कौन आते हैं, तुलसीदास, रामानंद, नाभादास, अग्रदास, केशवदास, प्राणचंद्र चौहान, ये सब राम काव्य में आते हैं। और कृष्ण काव्य में सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंददास, कुंभनदास, गोविंद स्वामी, मीराबाई, नरोत्तम दास, रहीम, रसखान। और इसमें नोट करने वाली बात है कि भक्ति शब्द सर्वप्रथम उल्लेख श्वेतसर उपनिषद में मिलता है। पद्मावत के रचनाकार का नाम है, पहला ऑप्शन अमीर खुसरो, दूसरा ऑप्शन जायसी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जायसी। दूसरा क्वेश्चन है रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है, पहला ऑप्शन ब्रजभाषा, दूसरा ऑप्शन अवधी भाषा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन अवधी भाषा। तुलसी जी ने रामचरितमानस की रचना कब की, पहला ऑप्शन विक्रम संवत 1631, दूसरा ऑप्शन विक्रम संवत 1633, इसका सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन विक्रम संवत 1631। चौथा प्रश्न है रामचरितमानस में तुलसी जी ने सर्वप्रथम किसकी वंदना की, पहला ऑप्शन सरस्वती गणेश, दूसरा ऑप्शन सीताराम, इसका सही आंसर हो जाएगा सरस्वती गणेश। पांचवा प्रश्न कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार हैं, पहला ऑप्शन सूरदास, दूसरा ऑप्शन तुलसीदास, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुलसीदास, सूरदास नहीं होगा दोस्तों। छठवां क्वेश्चन सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, पहला ऑप्शन कृष्ण काव्य धारा, दूसरा ऑप्शन संत काव्य धारा, इसका सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन कृष्ण काव्य धारा। सातवां प्रश्न है सैयद इब्राहिम का कवि नाम है, पहला ऑप्शन आलम, दूसरा ऑप्शन रसखान, इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन दस्तखान। आठवां प्रश्न है रास पंचाध्यायी का रचयिता कौन है, पहला ऑप्शन कृष्णदास, दूसरा ऑप्शन नंददास, सही आंसर हो जाएगा इसका दूसरा ऑप्शन नंददास। नौ प्रश्न है मीराबाई के गुरु का नाम क्या है, पहला ऑप्शन सूरदास, दूसरा ऑप्शन रैदास, इसका सही आंसर हो जाएगा रैदास। दसवां और लास्ट प्रश्न है अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, पंक्ति है ऑप्शन एक मलूकदास, दूसरा ऑप्शन रैदास,
इसका सही आंसर हो जाएगा मलूकदास। रोचक तथ्य में आज का हमारा टॉपिक है अष्टछाप। इसकी स्थापना 1565 ईस्वी में हुई थी। अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ जी ने की थी। अष्टछाप के कवियों को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक बल्लभाचार्य के चार शिष्य जिनमें कुंभनदास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंददास। दूसरा विट्ठलनाथ जी के चार शिष्य जिनमें नंददास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुजदास। अष्टछाप में नोट करने वाली बात है, अष्टछाप के कुल 8 कवि थे। दूसरा है अष्टछाप का संबंध कृष्ण काव्य धारा से था। तीसरा पॉइंट है मिश्रबंधु ने नागरीदास को अष्टछाप का नवा कवि माना है। भक्तिकाल का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? पहला ऑप्शन है श्वेतर उपनिषद, दूसरा ऑप्शन है रामायण। सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन श्वेतर उपनिषद। दूसरा प्रश्न है अद्वैतवाद की संस्थापक थे, तो पहला ऑप्शन है माध्वाचार्य, दूसरा ऑप्शन है शंकराचार्य। इसका सही आंसर हो जाएगा शंकराचार्य, दूसरा ऑप्शन। तीसरा प्रश्न है रामानंद के शिष्यों की संख्या कितनी मानी जाती है? पहला ऑप्शन 9, दूसरा ऑप्शन 12। इसका सही आंसर हो जाएगा 12, दूसरा ऑप्शन। चौथा प्रश्न है रामचरितमानस को पूरा करने में तुलसीदास जी को कितना समय लगा? पहला ऑप्शन है 2 वर्ष 7 माह, दूसरा ऑप्शन है 3 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन 2 वर्ष 7 माह। पांचवा प्रश्न है सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे, पहला ऑप्शन स्वामी हरिदास, दूसरा ऑप्शन वल्लभाचार्य। इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी हरिदास। छठवां प्रश्न है रामानुज के गुरु का क्या नाम था? पहला ऑप्शन है शंकराचार्य, दूसरा ऑप्शन है कांचीपूर्ण। इसका सही आंसर हो जाएगा कांचीपूर्ण, दूसरा ऑप्शन। सातवां प्रश्न है शुद्धाद्वैत के प्रवर्तक हैं, पहला ऑप्शन वल्लभाचार्य, दूसरा ऑप्शन माध्वाचार्य। इसका सही आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य, पहला ऑप्शन। आठवां प्रश्न है शुक्ल जी ने किसे सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना है? पहला ऑप्शन कुतुबन, दूसरा ऑप्शन जायसी। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला कुतुबन। प्रश्न है डॉक्टर रामकुमार ने किसे सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना? पहला ऑप्शन कुतुबन, दूसरा ऑप्शन मुल्ला दाऊद। इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा मुल्ला दाऊद। दसवां प्रश्न और लास्ट प्रश्न है मृगावती किस सूफी कवि की रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुबन की। आचार्य शुक्ल के अनुसार रेत काल की समय सीमा क्या है? पहला ऑप्शन 1700 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। आइए देखते हैं हम दूसरा प्रश्न, उत्तर मध्यकाल को रेत काल की संज्ञा किसने दी? तो पहला ऑप्शन है मिश्रबंधु, दूसरा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल। तीसरा प्रश्न है मिश्र बंधुओं ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया? पहला ऑप्शन अलंकृत काल, दूसरा ऑप्शन है श्रृंगार काल। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन अलंकृत काल। चौथा प्रश्न है शुक्ल जी ने किस कवि से रीत काल का आरंभ माना? पहला ऑप्शन है केशवदास, दूसरा ऑप्शन है चिंतामणि। इसका सही आंसर हो जाएगा चिंतामणि। पांचवा प्रश्न है बिहारी के दोहों पर किसका प्रभाव है? पहला गाथा सप्तशती, दूसरा छत्रसाल दशक। इसका सही आंसर हो जाएगा गाथा सप्तशती। छठा प्रश्न है घनानंद किस धारा के कवि हैं? पहला ऑप्शन रीतमुक्त, दूसरा ऑप्शन रीतबद्ध। इसका सही आंसर हो जाएगा रीतमुक्त। सातवा प्रश्न है रीतकाल के अधिकांश कवियों की भाषा कौन सी थी? पहला ऑप्शन अवधी, दूसरा ऑप्शन ब्रजभाषा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रजभाषा। आठवां प्रश्न है रामचंद्रिका के कवि कौन हैं? पहला ऑप्शन सूरदास, दूसरा ऑप्शन है केशवदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा केशवदास। नौवां प्रश्न है लोग हैं लागी कवित्त बनावत,
मोहितो मेरे कवित्व बनावत काव्य पंक्ति के रचयिता का नाम है। इसका पहला ऑप्शन घनानंद, दूसरा ऑप्शन आलम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घनानंद। दसवां प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, अति सूधो स्नेह कुमारग है काव्य पंक्ति के रचयिता का नाम है। पहला ऑप्शन बिहारी, दूसरा ऑप्शन घनानंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन घनानंद। रीत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी है आचार्य वामन, ऑप्शन सी है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी है भूषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बताइए आप लोग सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आचार्य वामन। दूसरा प्रश्न है, बिहारी का वास्तविक नाम क्या है? ऑप्शन ए है देवदत्त, ऑप्शन बी है घनश्याम, ऑप्शन सी है माथुर चौबे, ऑप्शन डी है बिहारी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताओ आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माथुर चौबे। क्वेश्चन नंबर 3, भूषण का जन्म स्थान है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी रायबरेली, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी कानपुर। सही आंसर हो जाएगा डी कानपुर। आइए देखते हैं चौथा प्रश्न, कृष्णचरित किसने लिखा? ऑप्शन ए कुलपति मिश्र, ऑप्शन बी भिखारी दास, ऑप्शन सी मतीराम, ऑप्शन डी चिंतामणि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बताइए आप, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चिंतामणि। पांचवा प्रश्न है, छंदों का अजायब घर किसे कहा गया? ऑप्शन ए रामचंद्रिका, ऑप्शन बी रामचरित मानस, ऑप्शन सी विनय पत्रिका, ऑप्शन डी कविकुल कल्पतरु। बताइए आप लोग छंदों का अजायब घर किसे कहा गया? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रामचंद्रिका। छठा प्रश्न है, केशव का आध्यात्मिक ग्रंथ है? ऑप्शन ए रामचंद्रिका, ऑप्शन बी है विज्ञान गीता, ऑप्शन सी है रतन बावनी, ऑप्शन डी है वीर सिंह देवचरित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए आप लोग विज्ञान गीता। सातवां प्रश्न है, बिहारी सतसई का संस्कृत अनुवाद श्रृंगार सतसई नाम से किया? ऑप्शन ए परमानंद, ऑप्शन बी मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम, ऑप्शन सी आनंदी लाल, ऑप्शन डी हर प्रसाद शास्त्री। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परमानंद। आठवां प्रश्न है, जहांगीर के आदेश पर मतीराम ने लिखा? तो ऑप्शन ए ललित ललाम, ऑप्शन बी सतसई, ऑप्शन सी गुलमंजरी, ऑप्शन डी कोई नहीं। बताइए आप लोग मतीराम ने क्या लिखा था जहांगीर के आदेश पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुलमंजरी। नवा प्रश्न है, यह प्रेम का पंथ कराल महा तरवर की धार पे धावन है, यह पंक्ति है? ऑप्शन ए घनानंद, ऑप्शन बी आलम, ऑप्शन सी ठाकुर, ऑप्शन डी बोधा। तो बताइए आप लोग सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बोधा। दसवां और लास्ट प्रश्न है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुब्रत भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित, पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन ए केशवदास, ऑप्शन बी चिंतामणि, ऑप्शन सी भूषण, ऑप्शन डी मतीराम। तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केशव दास। आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? तो पहला ऑप्शन है 1850 ईस्वी से आज तक, दूसरा ऑप्शन है 1900 ईस्वी से आज तक, तीसरा ऑप्शन है 1920 ईस्वी से आज तक, चौथा ऑप्शन है 1700 ईस्वी से आज तक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन 1850 ईस्वी से आज तक। दूसरा प्रश्न है, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? तो पहला ऑप्शन है सदल मिश्र, दूसरा ऑप्शन है लल्लू लाल,
तीसरा ऑप्शन है रामप्रसाद निरंजनी और चौथा ऑप्शन है शुक्ल जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा ऑप्शन लल्लू लाल। प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लू लाल की है। तीसरा प्रश्न है हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा माना गया है? पहला प्रेमा, दूसरा त्यागपत्र, तीसरा गोदान, चौथा परीक्षा गुरु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए आप लोग, इसका सही आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु। चौथा प्रश्न है सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम था? पहला ऑप्शन राजा लक्ष्मण सिंह, दूसरा ऑप्शन हरिश्चंद, तीसरा ऑप्शन राजा शिवप्रसाद, चौथा ऑप्शन प्रेमचंद। बताइए आप लोग क्या सही आंसर होगा इसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, राजा शिवप्रसाद, सितारे हिंद। पांचवा प्रश्न है नासी केतोपाख्यान के रचनाकार हैं? पहला ऑप्शन सदल मिश्र, दूसरा ऑप्शन बनारसी दास जैन, तीसरा ऑप्शन रामप्रसाद निरंजनी, चौथा ऑप्शन इंशाअल्लाह खां। सही आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों पहला, सदल मिश्र। छठा प्रश्न है उदय भानचरित के रचनाकार कौन हैं? पहला ऑप्शन सदल मिश्र, दूसरा ऑप्शन बनारसी दास जैन, तीसरा ऑप्शन रामप्रसाद निरंजनी, चौथा ऑप्शन इंशाअल्लाह खां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए आप लोग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन इंशाअल्लाह खां। और एक बात और, उदय भानचरित का एक और नाम है जिसका नाम है रानी केतकी की कहानी। सातवां प्रश्न है भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया, वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे, यह पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है शुक्ल जी, दूसरा ऑप्शन है धीरेन्द्र वर्मा, तीसरा ऑप्शन है यशपाल, चौथा ऑप्शन है महावीर द्विवेदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला, शुक्ल जी। आठवां प्रश्न है हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? पहला ऑप्शन समालोचक, दूसरा वाणी, तीसरा उदंत मार्तंड, चौथा माधुरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए आप लोग, तीसरा उदंत मार्तंड। और इसमें विशेष बातें हैं, इसके संपादक पंडित जुगल किशोर हैं और ये कलकत्ता से 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। नवा प्रश्न है भारतेंदु के कुल नाटकों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन 20, दूसरा ऑप्शन 17, तीसरा ऑप्शन 15, चौथा ऑप्शन 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए आप लोग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17। भारतेंदु के कुल नाटकों की संख्या 17 है। दसवां और लास्ट प्रश्न है सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में दयानंद सरस्वती जी ने लिखा? पहला ऑप्शन गुजराती, दूसरा अवधी, तीसरा संस्कृत, चौथा हिंदी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए आप लोग, चौथा हिंदी। सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा में लिखा गया। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? पहला शांत प्रिय द्विवेदी, दूसरा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, चौथा डॉक्टर राम अवध द्विवेदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। और इसको कैसे याद करेंगे, युग का अगर नाम पड़ा है तो माँ से महान और माँ से महावीर। तो दूसरा प्रश्न है संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं? पहला ऑप्शन श्रीधर पाठक, दूसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तीसरा प्रश्न है खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य है? पहला प्रेप्रवास, दूसरा साकेत, तीसरा भारत भारती, चौथा कुरुक्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला, प्रिय प्रवास। ये जो है 1914 में प्रकाशित हुई, प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध की प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसमें 17 सर्ग हैं। आइए देखते हैं चौथा प्रश्न, वैदेही वनवास के लेखक हैं? पहला देव, दूसरा बद्री नारायण चौधरी, तीसरा भारतेंदु हरिश्चंद, चौथा अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अयोध्या सिंह उपाध्याय। पांचवा प्रश्न है भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? पहला ऑप्शन 1910 ईस्वी, दूसरा 1911 ईस्वी, तीसरा 1912 ईस्वी,
चौथा 1915 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा 1912 ईस्वी। रचना भारत भारती किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। छठा प्रश्न है, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। पंक्ति किसकी है? पहला ऑप्शन श्याम नारायण पांडे, दूसरा मैथिली शरण गुप्त, तीसरा माखनलाल चतुर्वेदी, चौथा दिनकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा मैथिली शरण गुप्त। सातवां प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? पहला महाकाव्य, दूसरा खंड काव्य, तीसरा प्रबंध काव्य, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों खंड काव्य। आठवां प्रश्न है, साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है? पहला षष्टम, दूसरा सप्तम, तीसरा अष्टम, चौथा नवम। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथा नवम। नौवां प्रश्न है, द्विवेदी युग सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं? पहला रूप नारायण पांडे, दूसरा लोचन प्रसाद पांडे, तीसरा मुकुटधर पांडे, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मुकुटधर पांडे। दसवां प्रश्न है, साकेत की रचना का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला रामकथा का चित्रण, दूसरा देश प्रेम, तीसरा रहस्य का वर्णन, चौथा उर्मिला को महत्व देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उर्मिला को महत्व देना, ये जो है लक्ष्मण जी की पत्नी थी। ग्यारहवां प्रश्न है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया? पहला भारतेंदु, दूसरा प्रेम घन, तीसरा प्रताप नारायण मिश्र, चौथा राधा कृष्ण दास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा प्रताप नारायण मिश्र, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। बारहवां प्रश्न है, प्रताप नारायण मिश्र की पहली रचना, पहला ऑप्शन है प्रेम पुष्पांजलि, दूसरा मन की लहर, तीसरा श्रृंगार विलास, चौथा बुढ़ापा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला प्रेम पुष्पांजलि। तेरहवां प्रश्न है, प्रिय प्रवास का प्रकाशन पहले किस नाम से हुआ था? पहला वियोग विलाप, दूसरा ब्रजांगना, तीसरा हरिओम शतक, चौथा कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा ब्रजांगना। चौदहवां प्रश्न है, किसे ब्रज कोकिल कहा गया है? पहला ऑप्शन हरिओम, दूसरा कविरत्न, तीसरा भगवान दीन, चौथा जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा कविरत्न, ब्रज कोकिल कविरत्न को कहा गया है। पंद्रहवां प्रश्न है, हरिओम का गीतों का संकलन है? पहला ऑप्शन प्रिय प्रवास, दूसरा वैदेही वनवास, तीसरा परिजात, चौथा झंकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा परिजात। सोलहवां प्रश्न है, किसने ऊधव शतक लिखा? पहला कविरत्न, दूसरा लाला भगवान दीन, तीसरा जगन्नाथ दास रत्नाकर, चौथा वियोगी हरि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा जगन्नाथ दास रत्नाकर ऊधव शतक लिखा। सत्रहवां, मैथिली शरण गुप्त की पहली रचना है? पहला भारत भारती, दूसरा साकेत, तीसरा यशोधरा, चौथा रंग में भंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथा रंग में भंग, मैथिली शरण गुप्त की पहली रचना है और ये 1902 में प्रकाशित हुई। अठारहवां प्रश्न है, द्विवेदी युगीन वह महाकाव्य जो छायावाद युग में प्रकाशित हुआ? तो पहला साकेत, दूसरा प्रिय प्रवास, तीसरा भारत भारती, चौथा जय भारत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला साकेत जो है द्विवेदी युगीन वह महाकाव्य है जो छायावाद में 1931 को प्रकाशित हुआ। 19वां प्रश्न है, कौन सी रचना भूत वर्तमान भविष्य तीनों विचारों को प्रस्तुत करती है? तो पहला ऑप्शन साकेत, दूसरा भारत भारती, तीसरा विशाल भारत, चौथा प्रिय प्रवास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत भारती। 20वां और लास्ट प्रश्न, साकेत का सर्वाधिक मर्मस्पर्शी अंश है? पहला अष्टम सर्ग, दूसरा नवम सर्ग, तीसरा दशम सर्ग, चौथा कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों
नवम सर्ग। इसमें 12 सर्ग हैं और यह गुप्त जी की रचना है और इसमें नवम सर्ग में उर्मिला का विरह है। उत्तराखंड के किस कवि को छायावाद और प्रगतिवाद के संधि स्थल का कवि कहा जाता है? पहला ऑप्शन है मंगलेश डबराल, दूसरा तारा पांडे, तीसरा चंद्र कुंवर वर्तवाल, चौथा सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए आप लोग, चौथा सुमित्रा नंदन पंत। छायावाद प्रगतिवाद के संधि स्थल का कवि कहा जाता है क्योंकि इनकी रचनाएं छायावाद से शुरू होती हैं तथा प्रगतिवाद में परिपक्व होती हैं और चारों जो है उत्तराखंड के कवि हैं। दूसरा प्रश्न है प्रकृत का सुकुमार कवि कहा जाता है? पहला ऑप्शन सुमित्रा नंदन पंत, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी, चौथा महादेवी वर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रकृत का सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। पंत जी के रचनाओं में प्रकृत सौंदर्य का वर्णन मिलता है इसीलिए इनको प्रकृत का सुकुमार कवि कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है पंत ने अपने किस काव्य संग्रह को बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास कहा है? पहला पल्लव, दूसरा वीड़ा, तीसरा ग्रंथि, चौथा उच्छ्वास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, दूसरा वीड़ा। ये 1927 में प्रकाशित हुई थी। चौथा प्रश्न है कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? पहला कामायनी, दूसरा प्रिय प्रवास, तीसरा साकेत, चौथा पल्लव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, पल्लव जो है महाकाव्य नहीं है, यह जो है पंत की रचना है। कामायनी आप लोग जानते ही हैं जयशंकर प्रसाद का है, प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह हरिओम जी का है और साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त का है। पांचवा प्रश्न है हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? पहला ऑप्शन निराला, दूसरा सूरदास, तीसरा तुलसीदास, चौथा जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, महाप्राण कवि। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, बताइए आप लोग, निराला। निराला को महाप्राण कवि कहा जाता है। छठा प्रश्न है गीता गुंज नामक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? पहला ऑप्शन निराला, दूसरा सूरदास, तीसरा तुलसीदास, चौथा जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहला ऑप्शन निराला। सातवां प्रश्न है कुकुरमुत्ता किसकी कृति है? पहला सूरदास, दूसरा तुलसीदास, तीसरा जयशंकर प्रसाद, चौथा निराला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, निराला। कुकुरमुत्ता जो है निराला की कृति है। आठवां प्रश्न है अनामिका परिमल किस कवि की रचना है? पहला मैत्री शरण गुप्त, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा दिनकर, चौथा निराला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, निराला। निराला की अनामिका है और परिमल है। नौवां प्रश्न है निम्न में कौन सी रचना निराला की नहीं है? पहला झरना, दूसरा गीतिका, तीसरा परिमल, चौथा अनामिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, निराला की रचना झरना नहीं है, ये जयशंकर प्रसाद जी की है और तीनों निराला जी की रचनाएं हैं। आइए देखते हैं दसवां प्रश्न, निराला जी का जन्म कहाँ हुआ? पहला ऑप्शन उत्तर प्रदेश, दूसरा उड़ीसा, तीसरा बंगाल, चौथा बिहार। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बंगाल। 21 फरवरी 1896 में महिषादल मेदिनीपुर बंगाल में हुआ था और इनकी मृत्यु 1961 में इलाहाबाद और जो अब प्रयागराज है में हुआ था। 11वां प्रश्न है साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ था? पहला ऑप्शन प्रसाद, दूसरा निराला, तीसरा दिनकर, चौथा हरिओम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, निराला जी का हुआ था, ऑप्शन दो। जूही की कली निराला जी की एक कृति है जो कि 1916 में प्रकाशित हुई।
उस समय के तत्कालीन मान्यताओं से मेल नहीं खाती थी, इसलिए इनका विरोध हुआ था कवि रूप में। बारहवां प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन कब हुआ? पहला ऑप्शन 1936, दूसरा ऑप्शन 1939, तीसरा 1940, चौथा 1942 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन कब हुआ? 1936 ईस्वी में। तेरहवां क्वेश्चन है, निराला की बादल लाग कविता का संबंध है? पहला ऑप्शन छायावादी सौंदर्य, दूसरा प्रगतिवादी चेतना, तीसरा प्रयोगवादी चेतना, चौथा प्रकृति के सौंदर्य से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथा, प्रकृति के सौंदर्य से बादल लाग कविता का संबंध है। ये जो बादल लाग है परिमल में अवतरित है। चौदहवां प्रश्न है, बादल लाग के रचयिता हैं? तो पहला ऑप्शन प्रसाद, दूसरा निराला, तीसरा दिनकर, चौथा हरिओम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों निराला, बादल लाग की रचना निराला जी की है। पंद्रहवां प्रश्न, मुक्तक छंद के प्रेरणता हैं? पहला ऑप्शन प्रसाद, दूसरा निराला, तीसरा दिनकर, चौथा हरिओम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों निराला जी मुक्तक छंद के प्रेरणता हैं। सोलहवां प्रश्न है, जूही की कली उदाहरण है? पहला ऑप्शन मात्रिक छंद का, दूसरा वर्णिक छंद का, तीसरा मुक्तक छंद का, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जूही की कली उदाहरण है मुक्तक छंद का, और यह जो है निराला की रचना है। सत्रहवां प्रश्न है, निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह है? पहला अर्चना, दूसरा अणिमा, तीसरा आराधना, चौथा अनामिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों निराला की जो है अनामिका काव्य संग्रह है प्रथम, और ये 1938 में प्रकाशित हुई। आइए देखते हैं अठारहवां प्रश्न, फैंटस माटा का संबंध हिंदी के किस काव्य आंदोलन से जोड़ा गया है? पहला प्रगतिवाद, दूसरा छायावाद, तीसरा प्रयोगवाद, चौथा नई कविता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा, छायावाद से फैंटस माटा का संबंध है। 19वां प्रश्न, निराला की व्यंग्यपरक कविता है? पहला तुलसी, दूसरा सरोज स्मृति, तीसरा तोड़ती पत्थर, चौथा कुकुरमुत्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कुकुरमुत्ता, निराला की व्यंग्यपरक रचना है। ये 1942 में प्रकाशित हुई और यह नए पत्ते में संकलित है। 20वां और लास्ट प्रश्न है, रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य कर कहा गया है? पहला प्रसाद जी, दूसरा निराला जी, तीसरा दिनकर जी, चौथा हरिओम जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों निराला जी। छायावाद समय अवधि मानी जाती है? पहला 1915 से 1930 ईस्वी, दूसरा 1918 से 1936 ईस्वी, तीसरा 1920 से 1940 ईस्वी, चौथा 1900 से 1936 ईस्वी। इसमें सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा, 1918 से 1936 ईस्वी छायावाद का समय है। दूसरा प्रश्न है, छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था? पहला मुकुटधर पांडे, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा नामवर सिंह, चौथा रामविलास शर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले शब्द का प्रयोग किसने किया था? पहला ऑप्शन मुकुटधर पांडे। तीसरा प्रश्न है, छायावाद शब्द सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रयुक्त हुआ? पहला श्री शारदा, दूसरा सरस्वती, तीसरा इंदु, चौथा चांद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला, श्री शारदा में पत्रिका में छायावाद शब्द सर्वप्रथम प्रयुक्त हुआ, और इसके रचनाकार हैं मुकुटधर पांडे, 1920 में जबलपुर से प्रकाशित हुआ। चौथा प्रश्न है, पांडे बंधु में नहीं आते? पहला मुरली प्रसाद पांडे, दूसरा लोचन प्रसाद पांडे, तीसरा मुकुटधर पांडे, चौथा रूप नारायण पांडे। तो कौन नहीं आता पांडे बंधु में दोस्तों? रूप नारायण पांडे। पाँचवा प्रश्न है दोस्तों, शुक्ल जी ने छायावाद में सर्वाधिक महत्व दिया? पहला बच्चन सिंह, दूसरा निराला, तीसरा पंत, चौथा प्रसाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पंत, पंत को जो है शुक्ल जी ने सर्वाधिक महत्व दिया छायावाद में।
छठा प्रश्न है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, किसने कहा था? पहला डॉक्टर नागेन, दूसरा रामविलास शर्मा, तीसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चौथा डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला डॉक्टर नगेंद्र। सातवां प्रश्न है, छायावाद के प्रवर्तक कहे गए, पहला मुकुटधर पांडे, दूसरा सुमित्रा नंदन पंत, तीसरा श्रीधर पाठक, चौथा जयशंकर प्रसाद। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे को सर्वाधिक मान्यता कौन दिया? शुक्ल जी ने दिया। आठवां प्रश्न है, छायावाद की पहली रचना मानी जाती है, पहला आंसू, दूसरा लहर, तीसरा कामायनी, चौथा झरना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पहली रचना कौन मानी जाती है? झरना। इसके जो है रचनाकार कौन है? प्रसाद है। इसके चारों के रचनाकार प्रसाद हैं। नौवा प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा है, पहला अवधि, दूसरा सधुकड़ी, तीसरा खड़ी बोली, चौथा ब्रज भाषा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कामायनी की भाषा क्या है? खड़ी बोली। कामायनी में जो है 15 सर्ग हैं। दसवां प्रश्न है, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? पहला डॉक्टर नगेन, दूसरा मुक्तिबोध, तीसरा इंद्रनाथ मदान, चौथा शांति प्रिय द्विवेदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उपनिषद किसने कहा कामायनी को? शांत प्रिय द्विवेदी। ग्यारहवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से छायावादी कवि नहीं है, पहला मैथिली शरण गुप्त, दूसरा निराला, तीसरा सुमित्रा नंदन पंत, चौथा जयशंकर प्रसाद। इसमें सही आंसर हो जाएगा दोस्तों छायावाद का कवि कौन नहीं है? तो पहला मैथिली शरण गुप्त छायावादी कवि नहीं है, ये द्विवेदी युग के कवि हैं। बारहवां प्रश्न, कामायनी की श्रद्धा किसका प्रतीक है? पहला बुद्धि, दूसरा मन, तीसरा हृदय, चौथा आनंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हृदय का प्रतीक हृदय है, और बुद्धि पीड़ा का है, और मन जो है मनु का है। तेरहवां प्रश्न है, आंसू है, पहला ऑप्शन मुक्तक काव्य, दूसरा अतुकांत काव्य, तीसरा प्रबंध काव्य, चौथा विरह काव्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विरह काव्य। चौदहवां प्रश्न है, निहार, रश्मि, निर्जा ये काव्य संग्रह किसके हैं? पहला महादेवी वर्मा, दूसरा निराला, तीसरा मुक्तिबोध, चौथा पंत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। पंद्रहवा प्रश्न है, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है, पहला दीपशिखा, दूसरा यामा, तीसरा निहार, चौथा रश्मि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों निहार। सोलहवां प्रश्न है, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? पहला सुभद्रा कुमारी चौहान, दूसरा महादेवी वर्मा, तीसरा मनु भंडारी, चौथा उषा प्रियंवदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा, महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। सत्रहवां प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? पहला वाल्मीकि रामायण, दूसरा रामचरितमानस, तीसरा कृत्तिवास रामायण, चौथा विष्णु पुराण। तो राम शक्ति की पूजा पर किसका सर्वाधिक प्रभाव है दोस्तों? तो सही आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों तीसरा, कृत्तिवास रामायण। ये किसकी कविता है? निराला जी की। अठारहवां प्रश्न है, पंत जी का महाकाव्य कौन सा है? पहला शिल्पी, दूसरा लोकायतन, तीसरा चिदंबरा, चौथा गुंजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पंत जी का महाकाव्य कौन सा है? लोकायतन। लोकायतन में गांधी जी के जीवनी पर लिखा गया है, और विधा प्रबंध काव्य है। चिदंबरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार पंत जी को मिला। उन्नीसवां प्रश्न है, पंत की पहली रचना है? पहला वीणा, दूसरा ग्रंथी, तीसरा गिरजे का घंटा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पहली रचना कौन सी है? गिरजे का घंटा, 1916 में लिखा गया। बीसवां प्रश्न है, अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि हैं? अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि हैं दोस्तों, पहला ऑप्शन पंत जी, दूसरा प्रसाद, तीसरा निराला, चौथा मैथिली शरण गुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला पंत जी। अरविंद दर्शन का प्रभाव जो है कला और बूढ़ा चांद और रश्मिबंध और इनकी अन्य रचनाओं पर इसका प्रभाव मिलता है अरविंद दर्शन का। प्रगतिवादी काव्यधारा का समय सीमा है, पहला 1936 से 1943 ईस्वी, दूसरा 1900 से 1940 ईस्वी, तीसरा 1936 से 1940 ईस्वी, चौथा 1900 से 1943 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला
1936 से 1943 ईस्वी प्रगतिवादी काव्यधारा का समय सीमा है। हिंदी साहित्य में 1936 से 1943 के कालखंड को प्रगतिवाद कहा जाता है। 1936 में प्रेमचंद की अध्यक्षता में लखनऊ में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। आइए देखते हैं हम दूसरा प्रश्न। प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार है, पहला अस्तित्ववाद, दूसरा मार्क्सवाद, तीसरा मनोविश्लेषणवाद, चौथा अभिजात्यवाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए आप लोग, दूसरा मार्क्सवाद। प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार मार्क्सवाद है, जिसमें वर्ग चेतना की प्रधानता है। तीसरा प्रश्न है, लखनऊ में आयोजित 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, पहला प्रेमचंद, दूसरा नागार्जुन, तीसरा राही मासूम रजा, चौथा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहला प्रेमचंद। 1936 में प्रेमचंद की अध्यक्षता में लखनऊ में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। आइए देखते हैं हम चौथा प्रश्न। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी, पहला प्रेमचंद, दूसरा निर्मल वर्मा, तीसरा मुल्कराज आनंद व सज्जाद जहीर, चौथा नागार्जुन व केदारनाथ अग्रवाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, तीसरा मुल्कराज आनंद व सज्जाद जहीर। पांचवा प्रश्न है, वैजनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम था, पहला नागार्जुन, दूसरा मुक्तिबोध, तीसरा रघुवीर सहाय, चौथा धूमे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहला नागार्जुन। वैजनाथ मिश्र नागार्जुन का वास्तविक नाम था। नागार्जुन प्रगतिवादी विचारधारा के कवि हैं। छठा प्रश्न है, कौन सा काव्य संग्रह नागार्जुन का नहीं है, पहला युगधारा, दूसरा प्यासी पथराई आँखें, तीसरा तुमने कहा था, चौथा युग की गंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए आप लोग, युग की गंगा। यह किसकी रचना है, केदारनाथ जी की है, और बाकी तीनों रचनाएं नागार्जुन जी की हैं। सातवां प्रश्न है, फूल नहीं रंग बोलते हैं के रचनाकार हैं, पहला नागार्जुन, दूसरा त्रिलोचन, तीसरा केदारनाथ, चौथा नरेश मेहता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, तीसरा केदारनाथ। जमुन जल तुम, युग की गंगा, नींद के बादल केदारनाथ अग्रवाल की काव्य कृतियाँ हैं। आठवां प्रश्न, चांद का मुंह टेढ़ा है रचयिता है, पहला नागार्जुन, दूसरा मुक्तिबोध, तीसरा धर्मवीर भारती, चौथा धूमिल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, चांद का मुंह टेढ़ा है कि रचयिता है मुक्तिबोध। मुक्तिबोध का पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध है। ब्रह्मराक्षस, अंधेरे में, चंबल की घाटी, अंतर्दर्शन, भूरी भूरी, खाक धूल, भूल गलती आदि प्रमुख कृतियाँ मुक्तिबोध जी की हैं। आइए देखते हैं हम नौवा प्रश्न। अंधेरे में कविता किसने लिखी है, पहला ऑप्शन नागार्जुन, दूसरा ऑप्शन मुक्तिबोध, तीसरा त्रिलोचन, चौथा धूमिल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, मुक्तिबोध। अंधेरे में कविता मुक्तिबोध ने लिखी है। दसवां प्रश्न है, मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था, पहला विपात्र, दूसरा एक साप्ताहिक की डायरी, तीसरा चांद का मुंह टेढ़ा है, चौथा भारत इतिहास और संस्कृति। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारत इतिहास और संस्कृति। मध्य प्रदेश न्यायालय में इस पुस्तक पर मुकदमा चला, कुछ अंशों को हटाकर इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया। इसके रचनाकार थे मुक्तिबोध। ग्यारहवां प्रश्न है, तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है, पहला नागार्जुन, दूसरा शमशेर, तीसरा केदारनाथ अग्रवाल, चौथा त्रिलोचन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, त्रिलोचन, तुम्हें सौंपता हूँ। बारहवां प्रश्न है, त्रिलोचन का वास्तविक नाम है, पहला वासुदेव सिंह, दूसरा त्रिलोकीनाथ, तीसरा त्रिमूर्ति सिंह, चौथा मनमोहन सिंह।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला, वासुदेव सिंह। तेरहवां प्रश्न है, उर्वशी का काव्य रूप है पहला बाल काव्य, दूसरा मुक्तक काव्य, तीसरा महाकाव्य, चौथा रीति काव्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उर्वशी जो है महाकाव्य है। यह जो है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित महाकाव्य है और उर्वशी शीर्षक से एक अन्य रचना है प्रसाद जी की जो चंपू काव्य है, और चंपू काव्य उसको कहते हैं जिसमें गद्य और पद्य का मिश्रण होता है। आइए देखते हैं हम चौदहवा प्रश्न, दिनकर की काव्य रचना नहीं है पहला हुंकार, दूसरा कुरुक्षेत्र, तीसरा उर्वशी, चौथा त्रिधारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बताइए आप लोग त्रिधारा। दिनकर की ये काव्य रचना नहीं है, यह किसकी है, सुभद्रा कुमारी चौहान की है। आइए देखते हैं हम पंद्रहवा प्रश्न, दिनकर का प्रथम काव्य संग्रह है पहला रेणुका, दूसरा हुंकार, तीसरा रसवंती, चौथा कुरुक्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बताइए दिनकर का प्रथम काव्य संग्रह है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेणुका। यह जो है 1935 में प्रकाशित हुई और हुंकार 1939 में और रसवंती 1940 में और कुरुक्षेत्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये 1946 में। आइए देखते हैं 16वां प्रश्न, संस्कृत के चार अध्याय किसकी रचना है पहला मुक्तिबोध, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा दिनकर, चौथा अज्ञेय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा, संस्कृत के चार अध्याय दिनकर जी की रचना है। आइए देखते हैं हम 17वां प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है तो पहला ऑप्शन रेणुका, दूसरा कुरुक्षेत्र, तीसरा हुंकार, चौथा उर्वशी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा गया है। आइए देखते हैं हम 18वां प्रश्न, बालकृष्ण शर्मा नवीन का प्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है पहला क्वासी, दूसरा रश्मि रेखा, तीसरा उर्मिला और चौथा कुमकुम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथा, कुमकुम प्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह बालकृष्ण नवीन जी की है, तो ये 1936 में प्रकाशित हुई। आइए देखते हैं हम 19वां प्रश्न, नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक कौन था पहला शंभुनाथ सिंह, दूसरा अज्ञेय, तीसरा नरेश मेहता, चौथा उमाशंकर तिवारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक था शंभुनाथ सिंह जी थे। 20वां और लास्ट प्रश्न, किसे आधुनिक कबीर कहा गया है पहला त्रिलोचन, दूसरा नागार्जुन, तीसरा शमशेर, चौथा मुक्तिबोध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बताइए आप लोग आधुनिक कबीर किसे कहा गया है, दूसरा ऑप्शन नागार्जुन जी को कहा गया है। नागार्जुन ने अपने समाज में व्याप्त समस्या तथा बुराइयों को जितने ओझपूर्ण तरीके से उठाया है उतना शायद कबीर के अलावा बाकी किसी ने नहीं उठाया है, इसीलिए इन्हें आधुनिक कबीर की संज्ञा दी जाती है। प्रयोगवाद नाम सर्वप्रथम किसने दिया पहला नागार्जुन, दूसरा अज्ञेय, तीसरा नंदुलारे वाजपेयी, चौथा भगवती चरण वर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा नंदुलारे वाजपेयी। प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नंदुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवादी रचनाएं नामक शीर्षक निबंध में किया। नंदुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा। दूसरा प्रश्न, प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया पहला मार्क्सवाद, दूसरा अस्तित्ववाद, तीसरा प्रगतिवाद, चौथा छायावाद। तो इसका सही आंसर होगा दोस्त दूसरा अस्तित्ववाद, प्रयोगवाद पर अस्तित्ववाद का गहरा प्रभाव था। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध प्रयोगवाद से नहीं है पहला मनोविश्लेषणवाद, दूसरा कलावाद, तीसरा अस्तित्ववाद, चौथा स्वच्छंदतावाद। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों चौथा ऑप्शन
स्वच्छंदतावाद। स्वच्छंदतावाद का संबंध छायावाद से है और शेष मनोविश्लेषणवाद, कलावाद, अस्तित्ववाद का संबंध प्रयोगवाद से है। चौथा प्रश्न, प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है। पहला तार सप्तक, दूसरा प्रतीक, तीसरा नए पत्ते, चौथा नई कविता। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों दूसरा ऑप्शन प्रतीक। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका प्रतीक है। प्रयोगवाद का प्रमुख स्वर प्रतीक पत्रिका के प्रकाशन के साथ सुनाई दिया। अज्ञे जी ने प्रतीक पत्रिका का प्रकाशन प्रयाग से किया। पांचवा प्रश्न है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरन वह साधन है, यह कथन किस वाद से संबंधित है। पहला प्रश्न प्रगतिवाद, दूसरा छायावाद, तीसरा यथार्थवाद, चौथा प्रयोगवाद। जिसका सही आंसर होगा दोस्तों प्रयोगवाद। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरन वह साधन है, यह कथन अज्ञे जी का है। छठा प्रश्न है, अज्ञे का पूरा नाम है। पहला राय कृष्णदास, दूसरा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन तथा तीसरा कन्हैयालाल, चौथा हरिशंकर परसाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा, अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है। अज्ञेय के संपादन में चार सप्तक प्रकाशित हो चुका है जो निम्न है। पहला 1943 में तार सप्तक, दूसरा 1951 में दूसरा तार सप्तक और तीसरा 1959 ईस्वी में तीसरा तार सप्तक, चौथा 1979 ईस्वी में चौथा तार सप्तक। आइए देखते हैं सातवां प्रश्न, प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। पहला नागार्जुन, दूसरा अज्ञे, तीसरा नंदुलारे वाजपेयी, चौथा भगवती चरण वर्मा। जिसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अज्ञे जी को प्रयोगवाद के प्रवर्तक के रूप में माना जाता है। आठवां प्रश्न है, तार सप्तक के संपादक कौन थे। पहला नागार्जुन, दूसरा धर्मवीर भारती, तीसरा नंदुलारे वाजपेयी, चौथा अज्ञे। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अज्ञे। नवा प्रश्न है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। पहला 1943 ईस्वी, दूसरा 1951 ईस्वी, तीसरा 1959 ईस्वी, चौथा 1979 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला ऑप्शन 1943 ईस्वी। दसवां प्रश्न है, बसंती हवा कविता के रचयिता कौन है। पहला त्रिलोचन, दूसरा नागार्जुन, तीसरा केदारनाथ सिंह, चौथा केदारनाथ अग्रवाल। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों केदारनाथ अग्रवाल बसंती हवा कविता के रचयिता हैं, जिसमें हवा हूँ बसंती हवा हूँ है। ग्यारहवां प्रश्न है, आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि हैं। पहला सर्वदयाल सक्सेना, दूसरा धर्मवीर भारती, तीसरा रघुवीर सहाय, चौथा मुक्तिबोध। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा रघुवीर सहाय, आत्महत्या के विरुद्ध कविता के संकलन के कवि हैं। बारहवां प्रश्न है, कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि हैं। पहला सर्वदयाल सक्सेना, दूसरा धर्मवीर भारती, तीसरा रघुवीर सहाय, चौथा मुक्तिबोध। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सर्वदयाल सक्सेना। सर्वदयाल सक्सेना तीसरे सप्तक से संबंधित कवि हैं। 1938 ईस्वी में सर्वदयाल सक्सेना को कविता संग्रह खूटियों पर टंगे लोग के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। देखते हैं तेरहवां क्वेश्चन, किसे इंद्रिय अनुभूति का कवि कहा गया। पहला नेमिचंद्र जैन, दूसरा प्रभाकर माचुवे, तीसरा गिरजा कुमार माथुर, चौथा भारत भूषण अग्रवाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा गिरजा कुमार माथुर। और ये चारों जो है तार सप्तक के कवि हैं, नेमिचंद्र जैन, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, ये सब जो है तार सप्तक के कवि हैं। आइए देखते हैं चौदहवां प्रश्न, कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है। पहला पागल कुत्तों का मसीहा, दूसरा खूटियों पर टंगे लोग, तीसरा काष्ठ की घंटियां, चौथा एक शहर की मौत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एक शहर की मौत जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है, यह
अमृता प्रीतम की रचना है, जबकि अन्य रचनाएं पागल कुत्तों का मसीहा, खूंटियों पर टंगे लोग, काठ की घंटियां, ये सब जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं। 15वां प्रश्न है, नकेनवाद के प्रवर्तक कवि थे। पहला ऑप्शन नलिन बिलोचन शर्मा, केशरी कुमार, नरेश मेहता। दूसरा ऑप्शन है नरेश कुमार, केशरी कुमार, नागार्जुन। तीसरा है नलिन बिलोचन शर्मा, केदारनाथ सिंह, नरेश मेहता। चौथा है नलिन बिलोचन शर्मा, केशरी कुमार, नरेश कुमार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए आप लोग, नकेनवाद के प्रवर्तक कभी थे। तो इसका सही आंसर है चौथा, नलिन बिलोचन शर्मा, केशरी कुमार, नरेश कुमार। आइए देखते हैं 16वां प्रश्न, घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्य धारा की प्रवृत्ति है। पहला छायावाद, दूसरा प्रगतिवाद, तीसरा प्रयोगवाद, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा, प्रयोगवाद। प्रयोगवाद धारा की प्रवृत्ति निम्न है, पहला समसामयिक जीवन का यथार्थ चित्रण, दूसरा घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद, तीसरा विद्रोह का स्वर, और चौथा आस्था तथा भविष्य के प्रति विश्वास। ये सब प्रयोगवाद की विशेषताएं थी। 17वां प्रश्न है, तार सप्तक का वह कवि जो कवि से ज्यादा मार्क्सवाद समीक्षक के रूप में जाने गए। पहला नेमीचंद्र जैन, दूसरा प्रभाकर माचवे, तीसरा अगे, चौथा रामविलास शर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए अब लोग, रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा तार सप्तक का वह कवि हैं जो कवि से ज्यादा मार्क्सवादी समीक्षक के रूप में जाने गए। 18वां प्रश्न है, प्रयोगवाद शब्द रूढ़ हो गया। पहला तार सप्तक से, दूसरा तार सप्तक से, तीसरा तार सप्तक से, चौथा तार सप्तक से। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, प्रयोगवाद शब्द रूढ़ हो गया दूसरा तार सप्तक से। 19वां प्रश्न है, हम राही नहीं राहों के अन्वेषी हैं, किसकी भूमिका में अज्ञे जी ने कहा। पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक, चौथा तार सप्तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला, तार सप्तक में। 20वां प्रश्न है, ठंडा लोहा के रचनाकार हैं। पहला मुक्तिबोध, दूसरा नागार्जुन, तीसरा धर्मवीर भारती, चौथा अज्ञे। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा, धर्मवीर भारती जो है ठंडा लोहा के रचनाकार हैं। ठंडा लोहा प्रयोगवादी कवि धर्मवीर भारती की रचना है। नई कविता के प्रवर्तक थे, पहला भारतेंदु हरिश्चंद, दूसरा प्रेमचंद, तीसरा घनानंद, चौथा अज्ञे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, नई कविता के प्रवर्तक अज्ञे जी थे। दूसरा प्रश्न है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। पहला 1955 ईस्वी, दूसरा 1954 ईस्वी, तीसरा 1953 ईस्वी, चौथा 1951 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए आप लोग, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन 1954 ईस्वी में हुआ था। सन 1954 में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद, अब प्रयागराज से हुआ था। तीसरा प्रश्न है, नई कविता में किसका प्रभाव नहीं है। पहला प्रगतिवाद, दूसरा प्रयोगवाद, तीसरा द्विवेदी युग, चौथा उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा, द्विवेदी युग। नई कविता में द्विवेदी युग का प्रभाव नहीं है। चौथा प्रश्न है, नई कविता किस पर बल देती है। पहला यथार्थवाद पर, दूसरा अस्तित्ववाद पर, तीसरा मानव मूल्य पर, चौथा कल्पनावाद पर। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, नई कविता किस पर बल देती है, तीसरा मानव मूल्य पर। पांचवा प्रश्न है, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है। पहला बौद्धिकता का प्राधान्य, दूसरा यथार्थवाद का अति आग्रह, तीसरा कुंठा निराशा संदेह की अभिव्यक्ति, चौथा उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है उपयुक्त सभी। छठा प्रश्न है, लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है। पहला नई कविता, दूसरा दलित विमर्श, तीसरा प्रगतिवाद, चौथा छायावाद। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों,
नई कविता। सातवां प्रश्न, लघुमानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक हैं। पहला नंदुलारे वाजपेयी, दूसरा विजय देव नारायण शाही, तीसरा रामविलास शर्मा, चौथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विजय देव नारायण शाही, लघुमानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक हैं। आठवां प्रश्न है, नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार। यह कथन है, पहला ऑप्शन शैलेश मटियानी, दूसरा राजेंद्र यादव, तीसरा महीप सिंह, चौथा नामवर सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा राजेंद्र यादव, नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार। नवा प्रश्न है, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। पहला राजेश जोशी, दूसरा सौमित्र मोहन, तीसरा शेखर जोशी, चौथा अरुण कमल। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला राजेश जोशी जो है एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। इनकी अन्य रचनाएं मिट्टी का चेहरा, दो पंक्तियों के बीच और समर गाथा की महत्वपूर्ण कृतियां हैं। पंक्तियों के बीच काव्य संग्रह हेतु वर्ष 2002 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। दूसरा प्रश्न है, नई कविता की अवधारणा से संबंधित कविता के नए प्रतिमान पुस्तक के रचनाकार हैं। पहला रघुवीर सहाय, दूसरा धर्मवीर भारती, तीसरा लक्ष्मीकांत वर्मा, नामवर सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नामवर सिंह, कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह की आलोचनात्मक कृति है जिसमें नई कविता की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया है। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल है, पहला भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा शुक्ल युग, चौथा शुक्लोत्तर युग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा शुक्ल युग। विषय शैली, स्वरूप, भाव तथा भाषा के विचार से शुक्ल युग में हिंदी निबंध का सर्वगीण विकास हुआ। दूसरा प्रश्न है, तुलसीदास चंदन घिसे निबंध के लेखक हैं। पहला विद्यानिवास मिश्र, दूसरा हरिशंकर पैशाई, तीसरा कुबेर नाथ राय, चौथा शरद जोशी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा हरिशंकर परसाई, तुलसीदास चंदन घिसे निबंध के लेखक है। तुलसीदास चंदन घिसे व्यंग शैली का निबंध है। आइए देखते हैं हम तीसरा प्रश्न, कविता क्या है निबंध के लेखक हैं। पहला रामचंद्र शुक्ल, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा अध्यापक पूर्ण सिंह, चौथा कुबेरनाथ राय। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कविता क्या है कि निबंध के लेखक, पहला रामचंद्र शुक्ल। चौथा प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए हैं। पहला एक, दूसरा दो, तीसरा तीन, चौथा चार। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चिंतामणि के अब तक चार भाग प्रकाशित हुए हैं। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। इसके चार भाग हैं, पहला भाग 1939 ईस्वी में, दूसरा भाग 1945 ईस्वी में, तीसरा भाग 1983 ईस्वी में तथा चौथा भाग 2002 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आइए देखते हैं पांचवा प्रश्न, धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है, यह कथन शुक्ल जी के किस निबंध का अंश है। पहला श्रद्धा और भक्ति, दूसरा मानस की धर्म भूमि, तीसरा लोभ और प्रीति, चौथा कविता क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मानस की धर्म भूमि, धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है, यह कथन शुक्ल जी के मानस की धर्म भूमि निबंध का अंश है। छठा प्रश्न है, ठेले पर हिमालय के निबंधकार हैं। पहला विवेक राय, दूसरा निर्मल वर्मा, तीसरा धर्मवीर भारती, चौथा पंडित विद्यानिवास मिश्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बताइए आप लोग, तीसरा धर्मवीर भारती ठेले पर हिमालय के निबंधकार हैं। सातवां प्रश्न है, अशोक के फूल निबंध के रचयिता हैं। पहला महादेवी वर्मा, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा रामधारी सिंह दिनकर, चौथा नागार्जुन। तो
इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, अशोक के फूल के रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अशोक के फूल निबंध के लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। द्विवेदी जी की अन्य प्रमुख निबंध संग्रह आलोक पर्व, कुटज, विचार प्रवाह, नाखून क्यों बढ़ते हैं, देवदास, बसंत आ गया आदि हैं। आठवां प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं किस विधा की रचना है? ऑप्शन एक एकांकी नाटक, दूसरा निबंध, तीसरा उपन्यास, चौथा कहानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा निबंध, और ये किसकी रचना है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। आइए देखते हैं हम नौवां प्रश्न, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की भाषा किस प्रकार की है? पहला संस्कृत निष्ठ हिंदी, दूसरा लाक्षणिक हिंदी, तीसरा अलंकार युक्त हिंदी, चौथा सरल हिंदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला संस्कृत निष्ठ हिंदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध की भाषा है। दसवां प्रश्न है, रसज्ञ रंजन किसका निबंध संकलन है? पहला डॉक्टर श्याम सुंदर दास, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी, चौथा डॉक्टर गुलाब राय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रसज्ञ रंजन किसकी रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। रसज्ञ रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। हरि प्रसाद द्विवेदी जी के अन्य निबंध कालिदास और उनकी कविता, अतीत स्मृति, संपत्ति शास्त्र, कौटिल्य ठाकुर, वनिता विलाप आदि हैं। आइए देखते हैं हम ग्यारहवां प्रश्न, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निबंध संग्रह है? पहला राम वृक्ष वेणीपुरी, दूसरा कुबेर नाथ राय, तीसरा विद्यानिवास मिश्र, चौथा हरिशंकर परसाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसका आंसर हो जाएगा विद्यानिवास मिश्र। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, कटीले तारों के आर पार, तुम चंदन हम पानी, सीरीज की याद आई, अग्निरथ, कदम की फूली डाल आदि, यह विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। बारहवां प्रश्न है, विद्यानिवास मिश्र की कृति नहीं है, पहला तुम चंदन हम पानी, दूसरा रस अखेटक, तीसरा मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, चौथा शिरीष की याद आई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विद्यानिवास मिश्र की कृति नहीं है, दूसरा रस अखेटक, यह जो है कुबेरनाथ जी की रचना है, और शेष तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, शिरीष की याद आई, यह रचनाएं विद्यानिवास मिश्र जी की है। तेरहवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है? पहला रामविलास शर्मा, दूसरा कुबेरनाथ राय, तीसरा विद्यानिवास मिश्र, चौथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ललित निबंधकार नहीं है, रामविलास शर्मा जी नहीं है, और कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रतिष्ठित ललित निबंधकार माने जाते हैं। चौदहवां प्रश्न है, शिव शंभु का चिट्ठा किसका निबंध संकलन है? पहला प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा बाल कृष्ण भट्ट, तीसरा राधा कृष्ण दास, चौथा बाल मुकुंद गुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों शिव शंभु का चिट्ठा बाल मुकुंद गुप्त का निबंध संकलन है। ये चिट्ठा भारत मित्र पत्रिका में 1904 से 1905 ईस्वी में प्रकाशित हुए। शिव शंभु का चिट्ठा गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके लिखे गए। पंद्रहवां प्रश्न है, बात भाव मनोयोग शीर्षक निबंधों के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन बाल मुकुंद गुप्त, दूसरा प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा भारतेंदु हरिश्चंद, चौथा बालकृष्ण भट्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रताप नारायण मिश्र। बात भाव मनोयोग शीर्षक निबंधकार के लेखक प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। सोलहवां प्रश्न है, भ्रूण हत्या निबंध के लेखक हैं? पहला भारतेंदु हरिश्चंद, दूसरा श्याम सुंदर दास, तीसरा महादेवी वर्मा, चौथा ठाकुर जगमोहन सिंह।
इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य में आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक तथा गद्य के पुरोधा कहे जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अन्य निबंध जातीय संगीत, हिंदी भाषा, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, संगीत सार आदि हैं। 17वां प्रश्न है प्रसिद्ध निबंध अर्धनारीश्वर के लेखक कौन हैं? पहला रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा मैथिली चरण गुप्त, तीसरा जयशंकर प्रसाद, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर प्रसिद्ध निबंध अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। दिनकर ने मिट्टी की ओर, रेती के फूल, वेणुवन, साहित्यमुखी, आधुनिकता बोध शीर्षक से भी निबंध लिखा। 18वां प्रश्न है प्रिया नीलकंठी व निषाद बांसुरी किसके निबंध संग्रह हैं? तो पहला ऑप्शन रमेश चंद्र शाह, दूसरा विद्यानिवास मिश्र, तीसरा कुबेरनाथ राय, चौथा श्रीराम परिहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा कुबेरनाथ राय प्रिया नीलकंठी व निषाद बांसुरी के लेखक हैं। 19वां प्रश्न महर्षि मोहि उठाव व कछुआ धर्म निबंध के लेखक हैं? पहला बाबू गुलाब राय, दूसरा बाल मुकुंद गुप्त, तीसरा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चौथा सरदार पूर्ण सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुलेरी महर्षि मोहि उठाव व कछुआ धर्म निबंध के लेखक हैं। 20वां प्रश्न है कुट्टी चातन के उपनाम से किस लेखक ने निबंध लिखे हैं? मुक्तिबोध, दूसरा अज्ञेय, तीसरा भारतभूषण अग्रवाल, चौथा नेमचंद्र जैन। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अज्ञेय। कुट्टी चातन के नाम से अज्ञेय ने ललित निबंधों का संग्रह सबरंग शीर्षक से प्रकाशित हुआ। शकुंतला नाटक किसने लिखा? पहला ऑप्शन है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, दूसरा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, तीसरा राजा लक्ष्मण सिंह, चौथा भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा ऑप्शन राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का अनुवाद शकुंतला शीर्षक से संस्कृतनिष्ठ हिंदी में किया। इन्होंने रघुवंशम और मेघदूतम का भी हिंदी अनुवाद किया। दूसरा प्रश्न है नहुष नाटक के नाटककार हैं? पहला ऑप्शन गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास, दूसरा ब्रज रत्न दास, तीसरा सीताराम दास, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नहुष नाटक के नाटककार हैं पहला ऑप्शन गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास। नहुष नाटक के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास हैं। भारतेंदु के अनुसार नहुष हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है। नहुष नाटक के रचना वर्ष को लेकर विद्वानों में विवाद है। नागेंद्र जी 1857 ईस्वी मानते हैं, रामचंद तिवारी जी 1859 ईस्वी मानते हैं, बच्चन जी 1841 ईस्वी मानते हैं। आइए देखते हैं हम तीसरा प्रश्न पृथ्वीराज की आँखें एकांकी संग्रह का रचनाकार कौन है? पहला भुवनेश्वर प्रसाद, दूसरा राजकुमार वर्मा, तीसरा जयशंकर प्रसाद, चौथा उदय शंकर भट्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा रामकुमार वर्मा। पृथ्वीराज की आँखें एकांकी संग्रह के रचनाकार रामकुमार वर्मा जी हैं। रामकुमार वर्मा को एकांकी का जनक माना जाता है। 1930 ईस्वी में इन्होंने पहला एकांकी बादल की मृत्यु लिखा। इनकी अन्य रचनाएं रेशमी टाई, मयूर पंख, इंद्रधनुष, जूही के फूल आदि इनकी एकांकियां हैं। डॉक्टर रामकुमार के नाटकों में विजय पर्व, कला और कृपाण, नाना फडणवीस, सत्य का स्वप्न प्रमुख नाटक हैं। चौथा प्रश्न है मादा कैक्टस, अंधा कुआं तथा मिस्टर अभिमन्यु के रचनाकार हैं। पहला लक्ष्मी नारायण लाल, दूसरा लक्ष्मीकांत वर्मा, तीसरा भारतेंदु हरिश्चंद्र, चौथा जगदीश चंद्र माथुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला ऑप्शन लक्ष्मी नारायण लाल। मादा कैक्टस, अंधा कुआं तथा मिस्टर अभिमन्यु के रचनाकार लक्ष्मी नारायण लाल जी हैं। 5वां प्रश्न है नुक्कड़ नाटक का जनक कहते हैं? पहला भीष्म साहनी, दूसरा हबीब तनवीर, तीसरा सफदर हाशमी,
चौथा सेठ बांके लाल। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, नुक्कड़ नाटक का जनक कहते हैं तीसरा सफदर हाशमी को। सफदर हाशमी को नुक्कड़ नाटक का जनक कहते हैं। नुक्कड़ नाटक का इस्तेमाल स्वयंसेवी संस्थाओं, थिएटर समूहों, बुद्धिजीवी वर्गों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और छात्रों द्वारा सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों पर जनता के बीच जागरूकता लाने के लिए किया जा रहा है। हिंदी फिल्म हल्ला बोल में सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आवाज़ उठाई गई थी। छठा प्रश्न है, हिंदी का पहला रेडियो नाटक माना जाता है। पहला सीमा रेखा, दूसरा राधा कृष्ण, तीसरा सेठ बांकेलाल, चौथा युग संधि। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, हिंदी का पहला रेडियो नाटक राधा कृष्ण। हिंदी में रेडियो नाटक का जन्म 1973 ईस्वी में हुआ। रेडियो में प्रसारित पहला हिंदी नाटक आचार्य चतुरसेन शास्त्री द्वारा लिखित राधा कृष्ण है। आइए देखते हैं हम सातवां प्रश्न, दृश्य काव्य की विधा है। पहला नाटक, दूसरा निबंध, तीसरा उपन्यास, चौथा गीत काव्य। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, नाटक दृश्य काव्य की विधा है। आठवां प्रश्न है, आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। पहला उदय शंकर भट्ट, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा राम कुमार वर्मा, चौथा जगदीश चंद्र माथुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, तीसरा राम कुमार वर्मा, आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। नवा प्रश्न है, प्रकाश और परछाइयां किस एकांकीकार की रचना है। पहला हरिकृष्ण प्रेमी, दूसरा विष्णु प्रभाकर, तीसरा बेचन शर्मा उग्र, चौथा धर्मवीर भारती। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए आप लोग, विष्णु प्रभाकर, प्रकाश और परछाइयां एकांकीकार के रचनाकार हैं। दसवां प्रश्न है, तिलचट्टा नाटक के लेखक हैं। पहला ऑप्शन मुद्रा राक्षस, दूसरा सुरेंद्र वर्मा, तीसरा सत्यव्रत सिन्हा, चौथा मोहन राकेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहला मुद्रा राक्षस, तिलचट्टा नाटक के लेखक हैं। तिलचट्टा में तिलचट्टा यौन कुंठाओं का प्रतीक है। मुद्रा राक्षस का मूल नाम सुभाष चंद्र है। इनकी अन्य रचनाएं योर्स फेथफुली, मरजीवा, तेंदुआ, प्रथम स्तुति, आलापसर, गुफाएं, संतोला आदि रचनाएं हैं। आलापसर से सुभाष चंद्र या मुद्रा राक्षस जी को ख्याति प्राप्त हुई। ग्यारहवां प्रश्न है, हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य है। पहला राजश्री, दूसरा करुणालय, तीसरा ध्रुव स्वामिनी, चौथा विशाख। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, दूसरा करुणालय हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य है। यह जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई। प्रसाद ने कुल 12 नाटकों की रचना की, जिसमें सज्जन, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जनमेजय का नाग्य यज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी है। 12वां प्रश्न है, मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है। पहला सिद्धार्थक, दूसरा चंद्रगुप्त, तीसरा चाणक्य, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, चाणक्य मुद्रा राक्षस नाटक का नायक है। इसकी रचना विशाख दत्त ने की है। अतेंद्र हरिश्चंद ने 1878 ईस्वी में मुद्रा राक्षस का हिंदी अनुवाद किया। इस नाटक का नायक चाणक्य है। 13वां प्रश्न है, भारतेंदु जी ने किस नाटक की रचना एक रात में की थी। पहला अंधेर नगरी, दूसरा भारत दुर्दशा, तीसरा प्रेम जोगनी, चौथा चंद्रावली। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहला अंधेर नगरी, भारतेंदु जी ने एक रात में इसकी रचना की थी। और अन्य रचनाएं अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, प्रेम जोगनी, चंद्रावली भारतेंदु जी के नाटक हैं। 14वां प्रश्न है, भारत दुर्दशा के रचनाकार हैं। पहला जयशंकर प्रसाद, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा विष्णु प्रभाकर, चौथा भारतेंदु हरिश्चंद। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद भारत दुर्दशा के रचनाकार हैं। 15वां प्रश्न है, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है। पहला अंधेर नगरी, दूसरा भारत दुर्दशा, तीसरा रणधीर प्रेम मोहिनी, चौथा कलिकौतुक। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों,
हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक है। तीसरा रणधीर प्रेम मोहनी। 16वां प्रश्न है श्रीनिवास दास द्वारा रचित नाटक नहीं है। पहला संयोगिता स्वयंवर, दूसरा कलिकौतुक रूपक, तीसरा रणधीर प्रेम मोहनी, चौथा तृप्ता सनवरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा कलिकौतुक रूपक। कलिकौतुक रूपक की रचनाकार हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र। 17वां प्रश्न है लहरों के राजहंस के नाटककार हैं। पहला मोहन राकेश, दूसरा विष्णु प्रभाकर, तीसरा अमृतलाल नागर, चौथा अमृत राय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लहरों के राजहंस के नाटककार हैं मोहन राकेश। इनकी मोहन राकेश की अन्य प्रमुख नाटक आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे इत्यादि नाटक हैं। 18वां प्रश्न है महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है। पहला अंधा युग, दूसरा अंधी गली, तीसरा कोणार्क, चौथा आधे अधूरे। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अंधा युग महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है। अंधा युग गीत नाट्य है। इसमें कुल 5 अंक हैं। 19वां प्रश्न है कोणार्क नाटक की रचना किसने की। पहला मोहन राकेश, दूसरा जगदीश चंद्र माथुर, तीसरा भुवनेश्वर, चौथा रामकुमार वर्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा जगदीश चंद्र माथुर ने कोणार्क नाटक की रचना की। इनकी अन्य रचनाएं शारदीय, पहला राजा, दशरथ नंदन, रघुकुल रीत नाटक इनके मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई। प्रश्न है बकरी किसकी रचना है। पहला मोहन राकेश, दूसरा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, तीसरा कुंवर नारायण, चौथा विषाक्त। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बकरी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मूलतः कवि हैं। इनका पहला नाटक बकरी व्यंगात्मक है जो कि 1974 में प्रकाशित हुआ। इनके अन्य दो नाटक हैं लड़ाई अब गरीबी हटाओ है। हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। पहला इंदुमती, दूसरा 11 वर्ष का समय, तीसरा दुलाई वाली, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हिंदी की पहली कहानी इंदुमती। इंदुमती को आलोचकों साहित्यकारों द्वारा हिंदी की प्रथम कहानी स्वीकार की गई है। इंदुमती के लेखक किशोरी लाल गोस्वामी हैं। दूसरा प्रश्न है आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1900 में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है। पहला नासी के उपाख्यान, दूसरा रानी केतकी कहानी, तीसरा यमलोक की यात्रा, चौथा इंदुमती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इंदुमती। नासी के उपाख्यान सदनलाल मिश्र जी का है। रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां का है। इसका अन्य नाम रानी केतकी कहानी का उदयभान चरित भी है। तीसरा प्रश्न हार की जीत कहानी के लेखक हैं। पहला विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक, दूसरा प्रेमचंद, तीसरा सुदर्शन, चौथा डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा सुदर्शन। हार की जीत सुदर्शन की पहली कहानी थी। सुदर्शन का वास्तविक नाम पंडित बद्रीनाथ भट्ट था। चौथा प्रश्न है रसिक प्रिया तीसरी कसम एवं लाल पान की बेगम नामक कहानियों के लेखक हैं। पहला कमलेश्वर, दूसरा मार्कंडेय, तीसरा उषा प्रियंवदा, चौथा फणीश्वर नाथ रेणु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथा फणीश्वर नाथ रेणु। पांचवा प्रश्न है हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाईवाड़ा के लेखक हैं। पहला शिवमूर्ति, दूसरा सतीश जमाली, तीसरा अखिलेश, चौथा मंजूर एहतेशाम। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला शिवमूर्ति। हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाईवाड़ा के लेखक हैं। इसका प्रकाशन 1980 में हुआ था। छठा प्रश्न है प्रेमचंद की कहानियों की संख्या लगभग है। पहला 200, दूसरा 300, तीसरा 400, चौथा 500। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रेमचंद की कहानियों की संख्या लगभग 300 है। सातवां प्रश्न है प्रेमचंद की अंतिम कहानी थी। पहला सौत, दूसरा ईदगाह, तीसरा कफन, चौथा बड़े घर की बेटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों
कफन जो है प्रेमचंद की अंतिम कहानी थी। यह 1936 में प्रकाशित हुई। पहली कहानी सौथ है जो 1915 में प्रकाशित हुई। अन्य कहानियाँ नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, ईदगाह, ठाकुर का कुआं आदि रचनाएं प्रेमचंद जी की हैं। आठवां प्रश्न है, घीशु और माधव किस कहानी के पात्र हैं? पहला एल्बम, दूसरा परीक्षा, तीसरा शरणदाता, चौथा कफन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, घीशु और माधव कफन कहानी के पात्र हैं। नवा प्रश्न है, प्रेमचंद की कृति जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया था, पहला कर्मभूमि, दूसरा गबन, तीसरा सोझे वतन, चौथा निर्मला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सोझे वतन प्रेमचंद की कृति है जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया था। सोझे वतन यानी देश की आग प्रेमचंद की उर्दू कहानियों का यह पहला संग्रह 1907 ईस्वी में नवाब राय के नाम से छपा। प्रेमचंद का घर का नाम धनपत राय है। दसवां प्रश्न है, गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? पहला इंद्रजाल, दूसरा आकाशदीप, तीसरा प्रतिध्वन, चौथा आंधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? तो पहला ऑप्शन इंद्रजाल में। गुंडा कहानी इंद्रजाल कहानी संग्रह में संकलित है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। इंद्रजाल कहानी संग्रह में कुल 14 कहानियाँ हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम 1911 ईस्वी में इंदु में प्रकाशित हुई। 11वां प्रश्न है, आकाशदीप के मुख्य पात्र हैं चंद्रगुप्त और अलका, दूसरा होरी और बुधिया, तीसरा चंपा और बुद्धगुप्त, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सही इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आकाशदीप के मुख्य पात्र हैं चंपा और बुद्धगुप्त। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की कहानी है। 12वां प्रश्न है, पत्थर गली और दूसरा ताजमहल की लेखिका हैं, पहला नाश्री शर्मा, दूसरा क्षमा कौल, तीसरा ममता कालिया, चौथा अनीता जैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, नाशिरा शर्मा पत्थर गली और दूसरा ताजमहल की लेखिका है। 13वां प्रश्न है, हिंदी की पहली कहानी लेखिका हैं, पहला चंद्र किरण, दूसरा बंग महिला, तीसरा होमवती देवी, चौथा चंद्रमुखी ओझा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बंग महिला और राजेंद्र बाला घोष हिंदी की पहली कहानी लेखिका हैं। प्रमुख कहानियाँ छोटी बहू, चंद्रदेव से मेरी बातें आदि रचनाएँ। 14वां प्रश्न है, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है? पहला उसने कहा था, दूसरा बुद्धू का कांटा, तीसरा सुखमय जीवन, चौथा 11 वर्ष का समय। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है, 11 वर्ष का समय। यह कहानी जो है शुक्ल जी की है। 15वां प्रश्न है, नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कृति किसे माना है? पहला परिंदे, दूसरा वापसी, तीसरा जिंदगी और जोंक, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, परिंदे को नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कृति माना है। 16वां प्रश्न है, सता से उठता आदमी की विधा है, पहला काव्य, दूसरा कहानी, तीसरा नाटक, चौथा नाट्य काव्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सता से उठता आदमी का विधा है कहानी। इसके लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। इनकी अन्य रचनाएं काट का सपना, विपात्र आदि हैं। 17वां प्रश्न, सीट नंबर 6 किस लेखिका की कहानी संग्रह है? पहला मनु भंडारी, दूसरा मंजुल भगत, तीसरा ममता कालिया, चौथा इंदुबाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, तीसरा ममता कालिया सीट नंबर 6 की लेखिका है। इसका प्रकाशन 1978 ईस्वी में हुआ था। इसमें 13 कहानियों को संग्रहित किया गया है। 18वां प्रश्न है, समानांतर कहानी के प्रवर्तक हैं, पहला मोहन राकेश, दूसरा राजेंद्र यादव, तीसरा कमलेश्वर, चौथा हिमांशु जोशी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, कमलेश्वर समानांतर कहानी के प्रवर्तक हैं। 19वां प्रश्न, राजा भोज का सपना कहानी के लेखक कौन हैं? पहला राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद, दूसरा डॉक्टर शिवप्रसाद सिंह,
तीसरा भारतेंदु हरिश्चंद्र, चौथा राजा लक्ष्मण सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला, राजा भोज का सपना, कहानी के लेखक राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद है। बीसवां और लास्ट प्रश्न है, प्रतिशोध किसकी कहानी है? पहला दूधनाथ सिंह, दूसरा गोविंद मिश्र, तीसरा कमलेश्वर, चौथा भीष्म शाहनी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दूधनाथ सिंह, प्रतिशोध कहानी के लेखक हैं। सपाट चेहरे वाला आदमी, सुखांत, प्रेम कथा का अंत न कोई आदि रचनाएं दूधनाथ सिंह जी की हैं। शुक्ल जी ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है? पहला परीक्षा गुरु, दूसरा भाग्यवती, तीसरा नूतन ब्रह्मचारी, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों शुक्ल जी ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है? परीक्षा गुरु। शुक्ल जी ने परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा 1882 में परीक्षा गुरु लिखा गया। दूसरा प्रश्न है, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है? पहला झांसी की रानी, दूसरा नूरजहां, तीसरा हृदय हारिणी, चौथा सम्राट अशोक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा, हृदय हारिणी। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास हृदय हारिणी है, जिसके लेखक किशोरीलाल गोस्वामी हैं। यह उपन्यास 1904 में प्रकाशित हुई है। तीसरा प्रश्न है, जासूसी उपन्यासों का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय किस उपन्यासकार को दिया जाता है? पहला सुरेंद्र मोहन पाठक, दूसरा गोपाल राम गहमरी, तीसरा किशोरीलाल गोस्वामी, चौथा ओम प्रकाश शर्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गोपाल राम गहमरी, जासूसी उपन्यासों का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय दिया जाता है। हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रवर्तन का श्रेय गोपाल राम गहमरी को दिया जाता है। गोपाल राम गहमरी के अन्य उपन्यास डबल जासूस, बेकसूर की फांसी, डाके पर डाका, जासूस पर जासूसी, चक्करदार चोरी। चौथा प्रश्न है, पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? पहला पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा लाल बहादुर शास्त्री, चौथा विनोबा भावे। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी। पहला गिरमिटिया उपन्यास गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका अनुभवों पर आधारित है। इसके लेखक गिरिराज किशोर हैं। इनके अन्य उपन्यास हैं लोग, चिड़ियाघर, तीसरी सत्ता तथा यातना घर व ढाई घर। पांचवा प्रश्न है, झीनी झीनी बीनी चंद्रिया किस उपन्यासकार की कृति है? तो पहला राही मासूम रजा, दूसरा असगर वजाहत, तीसरा मुद्रा राक्षस, चौथा अब्दुल बिस्मिल्लाह। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अब्दुल बिस्मिल्लाह। झीनी झीनी बीनी चंद्रिया अब्दुल बिस्मिल्लाह की कृति है। इस उपन्यास में बनारस के बुनकरों के जीवन संघर्ष का चित्रण है। छठा प्रश्न है, चंद्रकांता उपन्यास के संबंध में सत्य है? पहला देवकी नंदन खत्री द्वारा रचित है, दूसरा गैर हिंदी भाषी पाठक चंद्रकांता पढ़ने हेतु हिंदी सीखा, तीसरा डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना है, चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी। चंद्रकांता उपन्यास के संबंध में सत्य है उपयुक्त सभी। सातवां प्रश्न है, निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है? पहला राधा कृष्णदास, दूसरा बाल कृष्ण भट्ट, तीसरा लज्जा राम मेहता, चौथा जगमोहन सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक राधा कृष्ण दास है। आठवां प्रश्न है, ठेठ हिंदी का ठाट तथा अधखिला फूल किसके उपन्यास हैं? पहला प्रेमचंद, दूसरा निराला, तीसरा दिनकर, चौथा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम ठेठ हिंदी का ठाट तथा अधखिला फूल उपन्यास के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम जी हैं। नवा प्रश्न है, नूतन ब्रह्मचारी और सौ अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक हैं?
पहला श्रीनिवास दास, दूसरा किशोरी लाल गोस्वामी, तीसरा बालकृष्ण भट्ट, चौथा बाल मुकुंद गुप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा, बालकृष्ण भट्ट जी नूतन ब्रह्मचारी और 100 आजान 1 सुजान उपन्यास के लेखक हैं। दसवां प्रश्न है, प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? पहला सामाजिक, दूसरा ऐतिहासिक, तीसरा पौराणिक, चौथा यथार्थवादी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऐतिहासिक। प्रसाद जी के दो सामाजिक उपन्यास कंकाल तथा तितली चर्चित रहे तथा इन्होंने एक ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखा जिसका नाम इरावती है, किंतु यह उपन्यास उनके असामयिक निधन के कारण अधूरा रह गया। 11वां प्रश्न है, बाण भट्ट की आत्मकथा और अनामदास का पोथा उपन्यास के लेखक हैं। पहला हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बालकृष्ण भट्ट की आत्मकथा और अनामदास का पोथा उपन्यास के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। 12वां प्रश्न है, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है? पहला गोदान, दूसरा कर्मभूमि, तीसरा रंगभूमि, चौथा सेवा सदन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रंगभूमि, गांधीवाद से प्रभावित है। 13वां प्रश्न है, सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? पहला रंगभूमि, दूसरा कर्मभूमि, तीसरा गबन, चौथा मानस का हंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला रंगभूमि, सूरदास रंगभूमि उपन्यास का पात्र है। 14वां प्रश्न है, प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है? पहला सेवा सदन, दूसरा निर्मला, तीसरा प्रेमाश्रम, चौथा गोदान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गोदान प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है। 15वां प्रश्न है, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अधूरा है? पहला रंगभूमि, दूसरा गोदान, तीसरा मंगलसूत्र, चौथा सेवा सदन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मंगलसूत्र, मंगलसूत्र प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है। 16वां प्रश्न है, प्रेमचंद ने कुल कितने उपन्यास लिखे? पहला 10, दूसरा 11, तीसरा 12, चौथा 13। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 11। प्रेमचंद ने कुल 11 उपन्यास लिखे। पहला सेवा सदन 1918 ईस्वी, दूसरा वरदान 1921 ईस्वी, तीसरा प्रेमाश्रम 1922 ईस्वी, चौथा रंगभूमि 1925 ईस्वी, पांचवा कायाकल्प 1926 ईस्वी, छठा निर्मला 1927 ईस्वी, सातवां प्रतिज्ञा 1929 ईस्वी, आठवां गबन 1931 ईस्वी, नवां कर्मभूमि 1932 ईस्वी, दसवां गोदान 1936 ईस्वी, 11वां मंगलसूत्र प्रेमचंद के निधन के कारण अपूर्ण रह गया। आइए देखते हैं 17वां प्रश्न, आधा गांव उपन्यास के लेखक हैं। पहला कृष्णा सोबती, दूसरा रेणु, तीसरा राही मासूम रजा, चौथा भगवती चरण वर्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आधा गांव उपन्यास के लेखक राही मासूम रजा हैं। राही मासूम रजा एक आंचलिक उपन्यासकार हैं। आधा गांव उपन्यास में भारत विभाजन के पहले और बाद की जिंदगी को उभारा गया है। इनके अन्य उपन्यास हैं टोपी शुक्ला, ओस की बूंद, सीन 75, दिल एक सादा कागज आदि। 18वां प्रश्न है, इनमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार है? पहला प्रेमचंद, दूसरा राही मासूम रजा, तीसरा जैनेन्द्र कुमार, चौथा जयशंकर प्रसाद। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राही मासूम रजा आंचलिक उपन्यासकार हैं। 19वां प्रश्न है, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है? पहला मैला आंचल, दूसरा आधा गांव, तीसरा वरुण के बेटे, चौथा प्रति परिकथा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मैला आंचल, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास
है जिसके लेखक फणीश्वरनाथ रेणु हैं। 20वां प्रश्न है, राजेंद्र यादव एवं मनु भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास है, पहला सारा आकाश, दूसरा आपका बंटी, तीसरा मुर्दा शराय, चौथा एक इंच मुस्कान। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथा, एक इंच मुस्कान, राजेंद्र यादव एवं मनु भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास है। आपका बंटी, महाभोज, मनु भंडारी के अन्य उपन्यास हैं। राजेंद्र यादव के उपन्यास हैं सारा आकाश, सह और मात, उल्टा आदि। आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए दोस्तों, आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है? पहला नागार्जुन, दूसरा शिवपूजन सहाय, तीसरा फणीश्वरनाथ रेणु, चौथा शिवप्रसाद मिश्र। तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। बाल पुरुष गांधी शीर्षक से गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को किस साहित्यकार ने साकार किया? पहला विष्णु प्रभाकर, दूसरा गिरिराज किशोर, तीसरा रामविलास शर्मा, चौथा जैनेन्द्र कुमार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जैनेन्द्र कुमार। आकार पुरुष गांधी शीर्षक से गांधी जी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को साहित्यकार जैनेन्द्र कुमार ने साकार किया। हिंदी में जीवनी लिखने की परंपरा का उद्भव भारतेंदु युग में 1881 ईस्वी के आसपास हुआ। गोपाल शर्मा शास्त्री ने उस युग की महान विभूति स्वामी दयानंद सरस्वती पर हिंदी की पहली जीवनी दयानंद दिग्विजय लिखी। आइए देखते हैं हम दूसरा प्रश्न, प्रेमचंद की जीवनी कलम का मजदूर के रचनाकार हैं, पहला अमृत राय, दूसरा मदन गोपाल, तीसरा शिवरानी देवी, चौथा विष्णु प्रभाकर। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मदन गोपाल, प्रेमचंद की जीवनी कलम का मजदूर के रचनाकार हैं। मुंशी प्रेमचंद की जीवनी तीन अलग अलग लोगों ने लिखी, प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी ने, प्रेमचंद की पत्नी हैं, दूसरा कलम का सिपाही अमृत राय प्रेमचंद के पुत्र हैं, और तीसरा कलम का मजदूर मदन गोपाल जी ने लिखा है। तीसरा प्रश्न है, कलम का सिपाही का लेखक कौन है? पहला अमृत राय, दूसरा रामविलास शर्मा, तीसरा शिवरानी देवी, चौथा प्रेमचंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अमृत राय कलम का सिपाही के लेखक है। चौथा प्रश्न है, निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला कलम का सिपाही अमृत राय, दूसरा भारतेंदु हरिश्चंद ब्रजरत्न दास, तीसरा प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी, चौथा आवारा मसीहा रामब्रज बेनीपुरी। तो कौन गलत सुमेलित है दोस्तों? चौथा आवारा मसीहा जो है विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया है, इसमें जो है शरदचंद चट्टोपाध्याय की जीवनी है। पांचवा प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा किस गद्य विधा की रचना है? पहला आत्मकथा, दूसरा जीवनी, तीसरा यात्रा वृतांत, चौथा रिपोर्टार्ज। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा, विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा जीवनी गद्य विधा की रचना है। छठा प्रश्न है, इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? पहला रामविलास शर्मा, दूसरा अज्ञेय, तीसरा अमृत राय, चौथा विष्णु प्रभाकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अज्ञेय जो है जीवनी लेखक नहीं है। सातवां प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में कुल कितने वर्ष लगे? पहला 11 वर्ष, दूसरा 12 वर्ष, तीसरा 13 वर्ष, चौथा 14 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथा, विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में कुल 14 वर्ष लगे और यह 1974 में प्रकाशित हुआ। आठवां प्रश्न है, मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? पहला संस्मरण, दूसरा रेखाचित्र, तीसरा जीवनी,
चौथा आत्मकथा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा जीवनी। मिला तेज से तेज जीवनी विधा की रचना है। इसके लेखक सुधा चौहान हैं और यह सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी है। हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा है। पहला मेरी जीवन यात्रा, दूसरा मेरी आत्म कहानी, तीसरा आत्मकथा, चौथा अर्ध कथा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथा अर्ध कथा। हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा अर्ध कथा है। इसके जो है लेखक बनारसी दास जैन है। यह पद्य में लिखा गया है। दसवां प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा का क्या नाम है। पहला तरुण के स्वप्न, दूसरा कुछ आप बीती कुछ जग बीती, तीसरा आत्मनिरीक्षण, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तरुण के स्वप्न, जिसे गिरीश चंद्र जोशी ने अनुदित किया है। ग्यारहवां प्रश्न है, हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी। पहला ओम प्रकाश वाल्मीकि ने, दूसरा मोहनदास नैमी सराय ने, तीसरा कौशल्या वैसंत्री ने, चौथा सूरज पाल ने। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा मोहनदास नैमी सराय ने हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा लिखी। हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा मोहनदास नैमी सराय द्वारा रचित अपने अपने पिंजरे हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जूठन तथा सूरज पाल चौहान ने तिरस्कृत नामक दलित आत्मकथाएं लिखी। बारहवां प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का नाम क्या है। पहला मुर्दहिया, दूसरा संताप, तीसरा उठाई गिर, चौथा जूठन। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथा जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का नाम है। और मुर्दहिया तुलसी रामदास द्वारा लिखित है। तेरहवां प्रश्न है, सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है। पहला महादेवी वर्मा की, दूसरा यशपाल की, तीसरा नागार्जुन की, चौथा हरिवंश राय बच्चन की। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा यशपाल की सिंहावलोकन आत्मकथा है। यह तीन भागों में प्रकाशित हुई थी। चौदहवां प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है। पहला कुबेरनाथ राय, दूसरा महादेवी वर्मा, तीसरा हरिवंश राय बच्चन, चौथा शिवप्रसाद सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा हरिवंश राय बच्चन की क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है। पंद्रहवां प्रश्न है, चार खंडों में प्रकाशित बच्चन की आत्मकथा का प्रथम खंड कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला क्या भूलूं क्या याद करूं। हरिवंश राय बच्चन ने साहित्य में हलावाद का प्रवर्तन किया। इनकी रचनाएं मधुशाला, मधुबाला एवं मधुकलश है। ये रचनाएं हलावाद का धर्म ग्रंथ कहलाती हैं। बच्चन की आत्मकथा के चारों खंडों का विवरण इस प्रकार है, क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 ईस्वी में, दूसरा नील का निर्माण फिर 1970 ईस्वी में, बसेरे से दूर 1977 ईस्वी में, चौथा दस द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी। हरिवंश राय बच्चन फिल्मी दुनिया के महानायक अमिताभ बच्चन जी के पिता हैं। सोलहवां प्रश्न, मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है। पहला हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा राहुल सांस्कृत्यायन, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा राहुल सांस्कृत्यायन मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा के लेखक हैं। सत्रहवां प्रश्न है, चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है। पहला नेमचंद जैन, दूसरा धर्मवीर भारती, तीसरा इला चंद्र जोशी, चौथा उपेंद्रनाथ अस्क। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथा उपेंद्रनाथ अस्क। चेहरे अनेक
आत्मकथा के लेखक हैं। 18वां प्रश्न है, कस्तूरी कुंडल बसे किसकी आत्मकथा है? पहला शीला झुनझुनवाला की, दूसरा मैत्रेयी पुष्पा की, तीसरा कुसुम अंसल की, चौथा गोपाल प्रसाद व्यास की। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा, मैत्रेयी पुष्पा कस्तूरी कुंडल बसे की आत्मकथा है। 19वां प्रश्न है, गालिब छूटी शराब किसकी आत्मकथा है? पहला मुद्रा राक्षस, दूसरा कमलेश्वर, तीसरा मोहन राकेश, चौथा रविंद्र कालिया। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथा, रविंद्र कालिया। गालिब छूटी शराब रविंद्र कालिया की आत्मकथा है। 20वां और लास्ट प्रश्न है, आप हुदरी किस साहित्यकार की आत्मकथा है? पहला चित्रा मुग्धल, दूसरा कुसुम अंसल, तीसरा रमणिका गुप्ता, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा, रमणिका गुप्ता। आप हुदरी रमणिका गुप्ता साहित्यकार की आत्मकथा है। इनकी एक अन्य महत्वपूर्ण आत्मकथा है हादसे। संस्मरण विधा की शुरुआत कब से मानी जाती है? पहला भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा छायावाद युग, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर दोस्तों द्विवेदी युग। दूसरा प्रश्न है, हिंदी का पहला संस्मरण है? पहला पद्म पराग, दूसरा पद के साथी, तीसरा स्मृति रेखा, चौथा रेखा और रंग। इसका सही आंसर है दोस्तों हिंदी का पहला संस्मरण है पद्म पराग। संस्मरण विधा की शुरुआत द्विवेदी युग से होती है। हिंदी का पहला संस्मरण पद्म सिंह शर्मा का पद्म पराग है। तीसरा प्रश्न है, रेखा चित्र को नहीं कहते हैं? पहला बोल चित्र, दूसरा भाव चित्र, तीसरा आत्मकथा, चौथा व्यक्ति चित्र। इसका सही आंसर है दोस्तों तीसरा, आत्मकथा को रेखा चित्र नहीं कहते हैं। चौथा प्रश्न है, रेखा चित्र विधा सर्वप्रथम किस युग में शुरू हुई? पहला भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा छायावाद युग, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों तीसरा, छायावाद युग। रेखा चित्र विधा सर्वप्रथम छायावाद युग से प्रारंभ हुई। पांचवा प्रश्न है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक है? पहला बनारसी दास चतुर्वेदी, दूसरा रामवृक्ष बेनीपुरी, तीसरा भारतेंदु हरिश्चंद, चौथा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघर। जिसका सही आंसर है दोस्तों तीसरा, भारतेंदु हरिश्चंद। छठा प्रश्न है, श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा है? पहला रेखा चित्र, दूसरा संस्मरण, तीसरा आत्मकथा, चौथा जीवनी। इसका सही आंसर है दोस्तों रेखा चित्र। सातवां प्रश्न है, कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? पहला जंगल के जीव, दूसरा अतीत के चलचित्र, तीसरा स्मृति की रेखाएं, चौथा पद के साथी। इसका सही आंसर है दोस्तों पहला, जंगल के जीव। यह रचना श्री राम शर्मा की है और शेष अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, यह सब रचनाएं महादेवी वर्मा की हैं। आठवां प्रश्न, माटी की मूर्तें नामक रेखा चित्र किसने लिखा है? पहला महादेवी वर्मा, दूसरा निराला, तीसरा सुमित्रा नंदन पंत, चौथा रामवृक्ष बेनीपुरी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने माटी की मूर्ति नामक रेखा चित्र लिखा है। नौवां प्रश्न है, रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र किसने लिखा है? पहला देवेंद्र सत्यार्थी, दूसरा शांति प्रिय द्विवेदी, तीसरा शिवपुंजन सहाय, चौथा उपेंद्र नाथ अष्ट। इसका सही आंसर है दोस्तों देवेंद्र सत्यार्थी, रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र के लेखक हैं। दसवां और लास्ट प्रश्न है, बचपन की स्मृतियां के लेखक हैं? पहला महादेवी वर्मा, दूसरा रामवृक्ष बेनीपुरी, तीसरा शांति प्रिय द्विवेदी, चौथा राहुल सांप्रत्यायन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथा, बचपन की स्मृतियां के लेखक हैं राहुल सांप्रत्यायन। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? पहला उर्दू, दूसरा हिंदी, तीसरा फ्रांसीसी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा, फ्रांसीसी।
रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। दूसरा प्रश्न है, हिंदी में रिपोर्टाज का जनक किसे माना जाता है? पहला भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा शिवदान सिंह चौहान, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा, शिवदान सिंह चौहान। हिंदी में रिपोर्टाज का जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। तीसरा प्रश्न है, हिंदी का पहला रिपोर्टाज कौन सा है? पहला लक्ष्मीपुरा, दूसरा युद्ध यात्रा, तीसरा मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला, लक्ष्मीपुरा। हिंदी का पहला रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा है, जिसका प्रकाशन 1938 में रूपा पत्रिका में प्रकाशित हुआ, जिसके लेखक शिवदान सिंह चौहान है। चौथा प्रश्न है, तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक हैं? पहला शिवदान सिंह चौहान, दूसरा रांगे राघव, तीसरा धर्मवीर भारती, चौथा शमशेर बहादुर सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रांगे राघव। रांगे राघव तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक हैं। यह हंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। पांचवा प्रश्न है, जुलूस रुका है रिपोर्टाज के लेखक कौन है? पहला फणीश्वर नाथ रेणु, दूसरा रांगे राघव, तीसरा धर्मवीर भारती, चौथा विवेकी राय। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथा, विवेकी राय। जुलूस रुका है रिपोर्टाज के लेखक विवेकी राय हैं। इनकी अन्य रिपोर्टाज बाढ़ 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 है। छठा प्रश्न है, हिंदी में इंटरव्यू विधा के प्रवर्तक किसे माना जाता है? पहला बनारसी दास चतुर्वेदी, दूसरा प्रभाकर माचवे, तीसरा श्री नरोत्तम नागर, चौथा बेनी माधव शर्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला, बनारसी दास चतुर्वेदी को हिंदी में इंटरव्यू विधा के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। इनकी रचनाएं रत्नाकर जी से बातचीत, दूसरा प्रेमचंद के साथ दो दिन। सातवां प्रश्न है, इंटरव्यू विधा की प्रथम स्वतंत्र पुस्तक कौन सी है? पहला रत्नाकर जी से बातचीत, दूसरा प्रेमचंद के साथ दो दिन, तीसरा जैनेन्द्र के विचार, चौथा कवि दर्शन। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कवि दर्शन। इंटरव्यू विधा की प्रथम स्वतंत्र पुस्तक कवि दर्शन है, जिसके लेखक बेनी माधव शर्मा है। आठवां प्रश्न है, जैनेन्द्र जी के साथ कुछ घंटे इंटरव्यू के लेखक हैं? पहला नंद कुमार कोहली, दूसरा श्री राम शर्मा, तीसरा पदम सिंह शर्मा कमलेश, चौथा मनोहर श्याम जोशी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला, नंद कुमार कोहली। जैनेन्द्र जी के साथ कुछ घंटे इंटरव्यू के लेखक नंद कुमार कोहली हैं। नवा प्रश्न है, रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच पत्र व्यवहार का संग्रह कौन सा है? पहला पत्र संवाद, दूसरा मित्र संवाद, तीसरा संवाद मित्र, चौथा संवाद पत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा, मित्र संवाद। रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच पत्र व्यवहार का संग्रह मित्र संवाद है। दसवां प्रश्न है, प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक का नाम है? पहला धर्मवीर भारती, दूसरा फणीश्वर नाथ रेणु, तीसरा शमशेर बहादुर सिंह, चौथा रामवृक्ष बेनीपुरी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा, शमशेर बहादुर सिंह। प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। यात्रा साहित्य की शुरुआत किस युग से हुई? पहला भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा छायावाद, चौथा प्रगतिवाद। इसका सही आंसर है दोस्तों पहला, भारतेंदु युग। यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात्र भारतेंदु युग से माना जाता है। दूसरा प्रश्न है, ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? पहला रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा राहुल सांस्कृतायन, तीसरा धर्मवीर भारती, चौथा अज्ञेय जी। इसका सही आंसर है दोस्तों तीसरा, धर्मवीर भारती।
अकेले पर हिमालय धर्मवीर भारती का यात्रा वृतांत है। धर्मवीर भारती ने कुल 3 यात्रा वृतांत लिखे, पहला ठेले पर हिमालय, दूसरा यादें यूरोप की, तीसरा यात्रा चक्र। तीसरा प्रश्न है, चीड़ों पर चांदनी किसकी यात्रा वृतांत है? पहला आगे, दूसरा राहुल सांस्कृतायन, तीसरा निर्मल वर्मा, चौथा धर्मवीर भारती। इसका सही आंसर है दोस्तों तीसरा, निर्मल वर्मा। चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा की यात्रा वृतांत है, जिसमें बर्लिन, आइसलैंड, पेरिस आदि यात्राओं का वर्णन किया गया है। चौथा प्रश्न है, मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? पहला यात्रा वृतांत, दूसरा समीक्षा, तीसरा कहानी, चौथा ललित निबंध। इसका सही आंसर है दोस्तों पहला, यात्रा वृतांत। मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान यात्रा वृतांत विधा की रचना है। पांचवा प्रश्न है, एक बूंद सहसा उछली किसके द्वारा लिखित यात्रा वृतांत है? पहला राहुल सांस्कृतायन, दूसरा यशपाल जी, तीसरा रामवृक्ष बेनीपुरी, चौथा अज्ञेय जी। इसका सही आंसर है दोस्तों अज्ञेय जी। एक बूंद सहसा उछली अज्ञेय जी द्वारा लिखित यात्रा वृतांत है। छठा प्रश्न है, अज्ञेय जी द्यारा लिखित अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? पहला काव्य, दूसरा यात्रा वृतांत, तीसरा जीवनी, चौथा डायरी। इसका सही आंसर है दोस्तों दूसरा, यात्रा वृतांत। अज्ञेय जी द्वारा लिखित अरे यायावर रहेगा याद यात्रा वृतांत विधा की रचना है। सातवां प्रश्न, लंका यात्रा का विवरण यात्रा वृतांत के लेखक हैं। पहला ठाकुर गदाधर सिंह, दूसरा गोपाल राय गहमरी, तीसरा स्वामी सत्यदेव, चौथा राहुल सांस्कृतायन। इसका सही आंसर है दोस्तों दूसरा, गोपाल राय गहमरी। लंका यात्रा का विवरण यात्रा वृतांत के लेखक गोपाल राय गहमरी हैं। आठवां प्रश्न है, घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृतांत के लेखक हैं। पहला नागार्जुन, दूसरा मुक्तिबोध, तीसरा विद्यानिवास मिश्र, चौथा राहुल सांस्कृतायन। इसका सही आंसर है दोस्तों चौथा, राहुल सांस्कृतायन। यात्रा वृतांत लेखन में राहुल सांस्कृतायन का उच्चतम स्थान है। वे पक्के घुमक्कड़ थे और उनके जीवन का बहुत बड़ा भाग घूमने फिरने में व्यतीत हुआ था। उन्होंने घुमक्कड़ शास्त्र, तिब्बत की सीमा पर मेरी यूरोप की यात्रा, किन्नर देश में मेरी लद्दाख यात्रा, रूस में 25 मास आदि यात्रा वृतांत कृतियों की रचना की है। नवा प्रश्न है, रूस में 25 मास यात्रा वृतांत के लेखक हैं। पहला ठाकुर गदाधर सिंह, दूसरा गोपाल राय गहमरी, तीसरा स्वामी सत्यदेव, चौथा राहुल सांस्कृतायन। इसका सही आंसर है दोस्तों चौथा, राहुल सांस्कृतायन। रूस में 25 मास यात्रा वृतांत के लेखक राहुल सांस्कृतायन जी हैं। दसवां प्रश्न है, हमारी यात्रा के यात्रा वृतांतकार हैं भगवान दास वर्मा, दूसरा कल्याण चंद्र, तीसरा लोचन प्रसाद पांडे, चौथा यशपाल जैन। इसका सही आंसर है दोस्तों तीसरा, लोचन प्रसाद पांडे। हमारी यात्रा के यात्रा वृतांतकार हैं लोचन प्रसाद पांडे जी। ग्यारहवां प्रश्न है, डायरी लेखन की शुरुआत किस युग से होती है? पहला द्विवेदी युग, दूसरा प्रगतिवाद, तीसरा छायावाद, चौथा प्रयोगवाद। इसका सही आंसर है दोस्तों पहला, द्विवेदी युग। डायरी लेखन की शुरुआत द्विवेदी युग से होती है। बारहवां प्रश्न है, धीरेन्द्र वर्मा ने लिखा पहला मेरी कॉलेज की डायरी, दूसरा प्रभास की डायरी, तीसरा सेवाग्राम की डायरी, चौथा झील डायरी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों पहला, मेरी कॉलेज की डायरी। तेरहवां प्रश्न है, किस विधा को दैनंदिनी कहते हैं? पहला संस्मरण, दूसरा डायरी लेखन, तीसरा निबंध, चौथा यात्रा वृतांत। इसका सही आंसर है दोस्तों दूसरा, डायरी लेखन। डायरी में हम अपने निजी अनुभूतियों को, प्रत्येक दिन की घटनाओं को व्यक्त करते हैं, इसलिए डायरी को दैनंदिनी कहते हैं। चौदहवां प्रश्न है, प्रवासी की डायरी किसकी रचना है? पहला मोहन राकेश, दूसरा रविंद्र कालिया, तीसरा अजीत कुमार, चौथा हरिवंश राय बच्चन। इसका सही आंसर है दोस्तों चौथा, हरिवंश राय बच्चन। प्रवासी की डायरी हरिवंश राय बच्चन की रचना है।
15वां प्रश्न है, मेरी जेल डायरी किसकी कृति है? पहला जयप्रकाश नारायण, दूसरा मुक्तिबोध, तीसरा धर्मवीर भारती, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों पहला, जयप्रकाश नारायण। मेरी जेल डायरी जयप्रकाश नारायण की कृति है। 16वां प्रश्न है, स्मृति के अंकुर यात्रा वृतांत के लेखक हैं। पहला भुवनेश्वर, दूसरा डॉक्टर राम कुमार वर्मा, तीसरा निर्मल वर्मा, चौथा डॉक्टर नगेंद्र। इसका सही आंसर है दोस्तों दूसरा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। स्मृति के अंकुर यात्रा वृतांत के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। 17वां प्रश्न है, किन्नर देश में यात्रा साहित्य के लेखक हैं। पहला राहुल सांस्कृतायन, दूसरा सुमित्रा नंदन पंत, तीसरा डॉक्टर नगेंद्र, चौथा डॉक्टर रामविलास शर्मा। इसका सही आंसर है दोस्तों पहला, राहुल सांस्कृतायन। किन्नर देश में यात्रा साहित्य के लेखक राहुल सांस्कृतायन जी हैं। 18वां प्रश्न है, भोला राम का जीव व्यंग के लेखक हैं। पहला हरिशंकर परसाई, दूसरा ज्ञान वाजपेयी, तीसरा राम गोपाल, चौथा श्रीलाल शुक्ल। इसका सही आंसर है दोस्तों पहला, हरिशंकर परसाई। भोला राम का जीव व्यंग के लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। 19वां प्रश्न है, नेताजी कहिन के रचनाकार हैं। पहला हरिशंकर परसाई, दूसरा ज्ञान वाजपेयी, तीसरा राम गोपाल, चौथा मनोहर श्याम जोशी। इसका सही आंसर है दोस्तों चौथा, मनोहर श्याम जोशी नेताजी कहिन के रचनाकार हैं। 20वां प्रश्न है, कौन सी व्यंग रचना हरिशंकर परसाई की नहीं है? पहला नेताजी कहिन, दूसरा भूत के पांव, तीसरा निठल्ले की डायरी, चौथा बारात की वापसी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों पहला, नेताजी कहिन। नेताजी कहिन मनोहर श्याम जोशी की व्यंग रचना है। अशेष रचनाएं भूत के पांव, निठल्ले की डायरी, बारात की वापसी हरिशंकर परसाई जी की रचना है। काव्य शास्त्र का लक्षण सर्वप्रथम किस आचार्य ने दिया? पहला भामा, दूसरा वामन, तीसरा आनंदवर्धन, चौथा कुंतक। इसका सही आंसर है दोस्तों पहला, भामा। आचार्य भामा ने अलंकार संप्रदाय की स्थापना की। इन्होंने ही काव्य शास्त्र का सर्वप्रथम लक्षण दिया। दूसरा प्रश्न है, रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं। पहला आचार्य मम्मट, दूसरा आचार्य विश्वनाथ, तीसरा आचार्य जगन्नाथ, चौथा आचार्य भरत मुनि। इसका सही आंसर है दोस्तों बताइए आप लोग, चौथा आचार्य भरत मुनि। तीसरा प्रश्न है, रीत संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। पहला भामा, दूसरा वामन, तीसरा आनंदवर्धन, चौथा कुंतक। इसका सही आंसर है दोस्तों दूसरा, वामन। रीत संप्रदाय के प्रवर्तक वामन जी हैं। भामा जो है अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, वामन रीत संप्रदाय, आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय, कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। चौथा प्रश्न है, काव्य का सर्वस्व कहा गया है? पहला ध्वनि, दूसरा अलंकार, तीसरा वक्रोक्ति, चौथा रीति। इसका सही आंसर है दोस्तों दूसरा, अलंकार काव्य का सर्वस्व कहा गया है। अलंकारवादियों ने अलंकार को काव्य का सर्वस्व कहा है। भामा ने अपने काव्य अलंकार नामक ग्रंथ में केवल अलंकार को ही काव्य का आत्मा सिद्ध करते हुए उसको विस्तृत विवेचन किया है। पांचवा प्रश्न है, आदोषो सागुणो सा अलंकारी चा शब्दार्थो काव्यम, किस आचार्य का दिया हुआ काव्य लक्षण है? पहला वामन, दूसरा भामा, तीसरा हेमचंद, चौथा कुंतक। इसका सही आंसर है दोस्तों तीसरा, हेमचंद। आदोषो सागुणो सालंकारी च शब्दार्थो काव्यम ग्रंथ काव्यानुशासन में है। इसका अर्थ दोषों से रहित गुण व अलंकारों से युक्त शब्द काव्य है। इसकी विवेचना हेमचंद्र जी ने की थी। छठा प्रश्न है, किसने काव्य प्रकाश लिखा?
पहला वामन, दूसरा मम्मट, तीसरा रुद्रट, चौथा दंडी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा, मम्मट ने काव्य प्रकाश लिखा। सातवां प्रश्न है, किस आचार्य ने रस और ध्वनि को संतुलन बनाया? पहला अभिनवगुप्त, दूसरा राजशेखर, तीसरा दंडी, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर दोस्तों अभिनवगुप्त। अभिनवगुप्त ने रस और ध्वनि को संतुलन बनाया। आठवां प्रश्न है, औचित्य संप्रदाय के संस्थापक आचार्य कौन है? पहला वामन, दूसरा दंडी, तीसरा आनंदवर्धन, चौथा क्षेमेंद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथा, क्षेमेंद्र जो है औचित्य संप्रदाय के संस्थापक आचार्य हैं। नौवां प्रश्न है, ध्वनि संप्रदाय के संस्थापक आचार्य हैं? पहला भामा, दूसरा वामन, तीसरा आनंदवर्धन, चौथा कुंतल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों तीसरा, आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के संस्थापक आचार्य हैं। दसवां प्रश्न है, मम्मट किस संप्रदाय के आचार्य हैं? पहला औचित्य, दूसरा अलंकार, तीसरा रीति, चौथा ध्वनि। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ध्वनि, मम्मट ध्वनि संप्रदाय के आचार्य हैं। ग्यारहवां प्रश्न है, हिंदी साहित्य के रसवादी आचार्य हैं? पहला राजशेखर, दूसरा नगेंद्र, तीसरा आनंदवर्धन, चौथा क्षेमेंद्र। तो इसका सही आंसर है दोस्तों नगेंद्र। हिंदी साहित्य में नगेंद्र को रसवादी आचार्य माना जाता है। बारहवां प्रश्न है, किसने ध्वनि को सर्वप्रथम काव्यात्मा माना है? पहला जयदेव, दूसरा भोजराज, तीसरा भरत मुनि, चौथा आनंदवर्धन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आनंदवर्धन। आनंदवर्धन ने सर्वप्रथम ध्वनि को काव्य की आत्मा घोषित किया। ध्वनि से उनका अभिप्राय कवि अनुभूति रूप कथ्य से है, जो वाचक शब्दों की अपेक्षा व्यंजक शब्दों द्वारा मार्मिकता से प्रकट होता है। तेरहवां प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने आत्म की मुक्ता अवस्था को माना है? पहला ज्ञान दशा, दूसरा रस दशा, तीसरा काव्य दशा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर दोस्तों ज्ञान दशा, आचार्य शुक्ल ने आत्मा की मुक्त अवस्था को ज्ञान दशा माना है। चौदहवां प्रश्न है, आत्मा की संकल्प आत्मक अनुभूति काव्य है? पहला जयशंकर प्रसाद, दूसरा निराला, तीसरा पंत, चौथा महादेव। इसका सही आंसर है दोस्तों पहला, जयशंकर प्रसाद। पंद्रहवां प्रश्न है, कविता विमल हृदय का उच्छ्वास है? पहला पंत, दूसरा निराला, तीसरा प्रसाद, चौथा महादेवी वर्मा। इसका सही आंसर है दोस्तों दूसरा, निराला ने कविता विमल हृदय का उच्छ्वास है कहा था। सोलहवां प्रश्न है, आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर किस शब्द का व्यवहार किया है? पहला तत्पर्य, दूसरा लक्षणा, तीसरा अभिधा, चौथा काव्यांग। तो इसका सही आंसर है दोस्तों काव्यांग, आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर काव्यांग शब्द का व्यवहार किया है या प्रयोग किया है। सत्रहवां प्रश्न है, नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं? पहला आचार्य भरत मुनि, दूसरा आनंदवर्धन, तीसरा वामन, चौथा मम्मट। इसका सही आंसर है दोस्तों आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की है। अठारहवां प्रश्न है, भारत के रस सूत्र की भुक्तिवाद के आधार पर व्याख्या करने वाले आचार्य हैं? पहला श्री संकुप्त, दूसरा भट्टनायक, तीसरा अभिनवगुप्त, चौथा विश्वनाथ। इसका सही आंसर है दोस्तों दूसरा, भट्टनायक ने भारत के रस सूत्र की भुक्तिवाद के आधार पर व्याख्या की थी। उन्नीसवां प्रश्न है, भट्टनायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? पहला मीमांसा दर्शन, दूसरा न्याय दर्शन, तीसरा शैव दर्शन, चौथा सांख्य दर्शन। इसका सही आंसर है दोस्तों सांख्य दर्शन, भट्टनायक का भुक्तिवाद सांख्य दर्शन पर आधारित है। बीसवां प्रश्न है, रस निष्पत्ति के संबंध में भट्ट लोलट का मत है? पहला अनुमितिवाद,
दूसरा उत्पत्तिवाद, तीसरा भुक्तिवाद, चौथा अभिव्यक्तिवाद। तो इसका सही आंसर है दोस्तों उत्पत्तिवाद। रस निष्पत्ति के संबंध में भट लोलट का मत उत्पत्तिवाद है। रस के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। रस क्या है? काव्य को पढ़ने सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। रस के अंग हैं स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव व संचारी भाव। रस के प्रकार हैं, रस 9 प्रकार के होते हैं। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। इन्होंने शांत रस को नहीं माना है। सूरदास के अनुसार रसों की संख्या 11 मानी गई है। 9वां शांत रस है, 10वां वात्सल्य रस है, 13वां भक्ति रस है। आइए अब देख लेते हैं रस का स्थायी भाव। श्रृंगार रस का रति है, हास्य रस का हास है, करुण रस का सुख है, वीर रस का उत्साह है, अद्भुत रस का आश्चर्य या विस्मय है, भयानक रस का भय है, रौद्र रस का क्रोध है, विभस रस का जुगुप्सा है और शांत रस का निर्वेद या निवृत्ति है। वात्सल्य रस का रति है, भक्ति रस का अनुराग है। आइए देखते हैं अब पहला प्रश्न। भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? पहला नाट्य दर्पण, दूसरा नाट्य शास्त्र, तीसरा हृदय दर्पण, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों दूसरा नाट्य शास्त्र। भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने नाट्य शास्त्र ग्रंथ में किया है। दूसरा प्रश्न है रस की संख्या 8 किसने मानी है? पहला मम्मट, दूसरा विश्वनाथ, तीसरा भरत मुनि, चौथा अभिनव गुप्त। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन तीसरा भरत मुनि। भरत मुनि ने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभस्य रस और अद्भुत रस सहित कुल 8 रसों को नाट्य प्रयोग में स्वीकारा है। 9वे रस शांत रस को इसमें वर्णन नहीं किया गया है। तीसरा प्रश्न है विभाव के कितने प्रकार होते हैं? पहला 2, दूसरा 4, तीसरा 5, चौथा 8। इसका सही आंसर है दोस्तों पहला 2। विभाव के 2 प्रकार होते हैं। पहला उद्दीपन, दूसरा आलम्बन। चौथा प्रश्न है रसों के संचारी भावों की कुल संख्या होती है। पहला 23, दूसरा 27, तीसरा 33, चौथा 37। तो इसका सही आंसर है दोस्तों तीसरा 33। संचारी भाव के भेद हैं, भरत मुनि ने 33 संचारी भाव माने हैं, जिनमें निर्वेद है, ग्लानी है, शंका है, असूया है, मद है, श्रम है, आलस्य है, दैन्य है, चिंता है, मोह है, स्मृति है, घृति है, वीडा है, चपलता है, हर्ष है, आवेग है, जड़ता है, गर्व है, विषाद है, औत्सुक्य है, निद्रा है, अपस्मार है, स्वप्न है, विबोध है, अमर्ष है, आवित्था है, उग्रता है, मति है, व्याधि है, उन्माद है, मरण है, वितर्क है। तो भरत मुनि ने 33 संचारी भाव माने। अगला प्रश्न है किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है? पहला करुण रस, दूसरा वात्सल्य रस, तीसरा श्रृंगार रस, चौथा रौद्र रस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों तीसरा श्रृंगार रस। श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक है। श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा दी गई है।
छठा प्रश्न है, श्रृंगार रस का स्थाई भाव है पहला शोक, दूसरा रति, तीसरा हास, चौथा उत्साह। तो इसका सही आंसर है दोस्तों दूसरा रति। रति श्रृंगार रस का स्थाई भाव है। सातवां प्रश्न है, केशव कहीं न जाए का कहिए, देखत तव रचना विचित्र अति, समुझ मन ही मन रहिए। उपयुक्त पंक्ति में है पहला भक्ति रस है, दूसरा शांत रस है, तीसरा करुण रस है, चौथा अद्भुत रस है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बताइए आप लोग चौथा अद्भुत रस है। उपयुक्त पंक्ति में तुलसीदास कृत विनय पत्रिका से उद्धृत है, इन पंक्तियों में अद्भुत रस है। आठवां प्रश्न है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुर, कृपा करी अपनायो। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? पहला वीर रस, दूसरा करुण रस, तीसरा भक्ति रस, चौथा रौद्र रस। इसका सही आंसर है दोस्तों तीसरा भक्ति रस। यह पंक्तियां मीराबाई की हैं, इसमें भक्ति रस है। नवा प्रश्न है, वीर रस का स्थाई भाव है, पहला शोक, दूसरा भय, तीसरा उत्साह, चौथा निर्वेद। तो इसका सही आंसर है दोस्तों वीर रस का स्थाई भाव है उत्साह। दसवां प्रश्न है, विभस रस का स्थाई भाव है, पहला शोक, दूसरा विस्मय, तीसरा जुगुप्सा, चौथा अद्भुत। इसका सही आंसर है दोस्तों जुगुप्सा। विभस रस का स्थाई भाव जुगुप्सा है।